हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है बच्चन पांडे तो बच्चन पांडे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से सैटेलाइट चैनल कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर मैं एक डिटेलिंग देने वाला हूँ इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर भी डिटेलिंग मिलेगी फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बातचीत करेंगे फिल्म रीमेक है तो ओरिजिनल और रीमेक के बीच में कंपैरिजन करने वाले साथ ही फिल्म का एक रिव्यू करेंगे जहाँ पे स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट के बारे में बातचीत करेंगे स्टोरी स्क्रीन प्ले के ऊपर भी हम बातचीत करने वाले जहाँ पे स्टोरी का एक एक्सप्लेनेशन देने वाले उसके ऊपर एनालिसिस भी करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चन पांडे जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है फरहाद सामजी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है साजिद ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 180 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है तो अक्षय कुमार के करियर की एक वन ऑफ दी हाईएस्ट बजट वाली फिल्मों में से एक फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ साजिद नडियादवाला फराज शाम तुषार हिर खेतरपाल तासा भामरा और जयेश कादरी ने इस फिल्म की कहानी है वो जिगत हंडा नाम की एक तमिल फिल्म थी उससे इंस्पायर्ड है वहीं पे वो तमिल फिल्म भी एक कोरियन फिल्म से इंस्पायर्ड है जहाँ पे जिगत हंडा को 2014 में कार्तिक सुबाराज ने बनाया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है साजिद नडियादवाला ने स्टोरी आइडिया भी उनका ही था स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार कृति सेनन जैकलिन फर्नांडिस अरसाद वारसी और पंकज त्रिपाठी इनके अलावा प्रतीक बबर संजय मिश्रा अभिमन्यु सिंह स्नेहल दाबी सहारा कुमार शुक्ला अश्विन मोश्रम संतोष शुक्ला साजिद नडियादवाला अहमद खान आरूज खान मोहन अगासे सीमा बसवाज तृष्णा सिंह सुरेंद्र राजन डोली ठाकुरे नसीर अब्दुल्ला गौरव चोपड़ा नतरम तिवारी सुनील पेंडूकर अरुण खेतरवाल और विपुन रॉय तो इस तरह से इतने सपोर्टिंग आर्टिस्ट और लीड कास्ट देखने को मिलेगी जिन्होंने फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ ए फिल्म्स ने अनिल ने फिल्म्स ने इस फिल्म को अच्छी खासी बड़ी रिलीज दिलवाई हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें सिनेमेटोग्राफी का देखने को मिलेगी गेवी मेक यू मे की एडिटिंग की हुई चारों श्री रॉय ने जिन्होंने फिल्म को करीबन 146 मिनट यानी कि दो घंटे 26 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया गया है जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पेकमेम ने किया हुआ है वहीं पे सॉन्ग्स में अमाल मलिक बी प्राग चान्नी विक्रम मोन्थरॉय और रॉय की कंपोजिशन देखने को मिलेगी फिल्म में टोटल पाँच गाने कंपोज हुए जहाँ पे गानों के लिए अलग-अलग म्यूजिक डायरेक्टर आपको देखने को मिलने वाले हैं जहाँ पे इसके राइट वो भूषण कुमार टी सीरीज़ वालों ने खरीदे हुए बड़ी रकम देके अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो बच्चन पांडे फिल्म को इनिशियली रिमेक बताया जा रहा था वीरम फिल्म का लेकिन मेकर्स ने कहा कि ये उनका ओरिजिनल आइडिया वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट के साथ आ रहे लेकिन बाद में जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता सभी चीजें क्लियर हुई सोर्सेज से पता चला कि बच्चन पांडे ऑफिशियली तमिल फिल्म जिक्र का रीमेक होने वाली है जहाँ पे इस फिल्म में जिगर थंडा से तो वो सभी चीज़ें उठाई हुई थी वहीं पे गड्डल कोंडा गणेश जो दो में जिगर थंडा का रीमेक बनी थी वहीं से भी कुछ चीज़ें को उठाया हुआ है माँ वाला एंगल और दूसरे कुछ इमोशनल एंगल है वो वहीं से उठाए हुए तो दो फिल्मों से उन्होंने थोड़े थोड़े को कर, चीज़ों को लेकर अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर इस फिल्म का रीमेक बनाया हुआ है वैसे जिगर ठंडा फिल्म भी दो की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक फिल्म थी जहाँ पर तमिल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर इस फिल्म ने धमाका मचाया हुआ था लेकिन वो फिल्म भी ऑफिशियली साउथ सॉरी अनऑफिशियली साउथ कोरियन फिल्म का इंस्पायर्ड वर्जन है अ डर्टी कार्निवल करके फिल्माई हुई थी साउथ कोरिया में वो भी बड़ी हिट थी उस फिल्म का उन्होंने तमिल नेटिविटी के हिसाब से फिल्म बनाई हुई थी वहीं पे कनाडा में इस फिल्म का 2016 में रिमेक बना हुआ है सेम नाम के साथ जिगर ठंडा के ही नाम से गड्डलकोंडा गणेश नाम से 2019 में वरुण तेज के साथ इस फिल्म का रिमेक बनाया हुआ था और गड्डल कोंडा गणेश के राइट है वो गोलम्स वालों ने ख़रीदे हुए जिन्होंने इस फिल्म को गड्डलकोंडा गणेश के नाम से हिंदी वर्जन में यूट्यूब पे और टेलीविजन के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया हुआ है वहीं पे बच्चन पांडे फिल्म के रिमेक राइट साजिद नडियज वाला ने पहले ही खरीद लिए थे वो भी बड़ी रकम देखी जिसको बाद में जिगर ठंडा और आ, गडलकोंडा गणेश के जो सीन से उसको मिक्स करके इस फिल्म को बनाया हुआ है बच्चन पांडे टाइटल किस तरह से पढ़ा था उसके ऊपर बातचीत करें तो अक्षय कुमार ने 2008 की एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म टसन बनाई हुई थी सैफ अली खान करीना कपूर के साथ में तो उस फिल्म में उन्होंने बच्चन पांडे वाला रोल प्ले किया हुआ था तो वो टाइटल उनको काफ़ी ज़्यादा वो नाम पसंद आ गया था उसके बाद में उन्होंने इस नाम के साथ ही पूरी फिल्म बना दी थी लेकिन बाद में बच्चन पांडे का जो टाइटल है उसमें उन्होंने स्पेलिंग में थोड़े चेंजेस किए हुए थे जहाँ पे पहले था बी ए सी एच सी एच ए एन पी ए एन डी ई वाई लेकिन बाद में जो स्पेलिंग चेंज करते हुए रखा हुआ था बी ए सी एच सी डबल एच ए ए एन पी डबल ए एन डी ई वाई तो इस तरह से बच्चन पांडे नाम रखते हुए फिल्म को रिलीज किया हुआ था प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो 6 जनवरी 2020 को जैसलमेर में स्टार्ट की हुई थी कोविड 19 के चलते शूटिंग को का शूटिंग को काफ़ी डिले करना पड़ा फिल्म की शूटिंग को रिस्टार्ट 6 जनवरी 2021 में किया गया था वेप ऑफ जुलाई 2021 में किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो पांच म्यूजिक डायरेक्टर है अलग अलग लिरिस्ट है तो उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भूषण कुमार टी सीरीज के पास है गानों की टोटल लेंथ है वो सत्रह मिनट पचपन सेकंड है इन सभी गानों को सत्रह मार्च दो हज़ार बाईस को ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पर ये पाँच गाने कौन से उसके ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना है मार खाएगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए फरादा भिवाड़ी वाला विक्रम मोन्सरो और अजीम दयानी ने म्यूजिक दिया हुआ है विक्रम मोन् ने जहाँ पे सिंगर थे फराद भी वाला और विक्रम से इसके अलावा बेरीजान मेरिजन वाला जो गाना है उसके लिरिक्स है, जानी ने लिखे हुए म्यूजिक है बी प्राक का सिंगर थे बी प्राक और लेंथ है गाने की चार मिनट आठ सेकंड तीसरा गाना है सारे बोलो बेवफा जिसके लिरिक्स जानी ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया था जानी ने और सिंगर थे बी प्राक इसके अलावा चौथा गाना हीर रंजना जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था माल मलिक ने सिंगर थे अरिजीत सिंह श्रेया घोषाल पांचवा गाना जो विशल थीम था वो इंस्ट्रूमेंटल था उसका म्यूजिक रोई ने कंपोज किया हुआ है तो इस तरह से टोटल पांच थीम के साथ गाने क्रिएट किए गए जिसको भूषण कुमार की ऑफिशियल प्लेटफॉर्म टी सीरीज़ के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते इस फिल्म में कौन सा आर्टिस्ट कौन सा रोल प्ले कर रहा था उसके ऊपर तो अक्षय कुमार वाला जो रोल है वो है गैंगस्टर बच्चन पांडे का वो लीड किरदार है फिल्म का टाइटल कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे अक्षय कुमार कृति सेना ने मायरा देवरकर का रोल प्ले किया हुआ है जो बच्चन पांडे का लव इंटरेस्ट और एक डायरेक्टर के तौर पे दिखाई देती है जैकलिन फर्नान्डिस ने सोफी का रोल प्ले किया हुआ है जो बच्चन पांडे की लेट गर्लफ्रेंड थी अरसद वारसी ने विश्वकांत महात्रे यानी कि विशु का रोल प्ले किया हुआ है जो मायरा का बेस्ट फ्रेंड है पंकज त्रिपाठी ने गुरुजी भावेश भोपलो का रोल प्ले किया हुआ है प्रतीक पप्पर ने वर्जिन का रोल प्ले किया हुआ है संजय मिश्रा ने वफरिया चाचा का रोल प्ले किया हुआ है अभिमन्यु सिंह ने पेंडलम का रोल प्ले किया हुआ है स्नेहल डाबी ने जम्बो का रोल प्ले किया हुआ है साहस कुमार शुक्ला को कांडी का रोल दिया गया था अश्विन मूसरा ने प्रोड्यूसर राकेश वर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संतोष शुक्ला को एस पी सूर्यकांत मिश्रा का रोल दिया गया है साजिद नडियज वाला जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने इस फिल्म में फिल्म डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है अहमद खान फिल्म डायरेक्टर के तौर में दिखाई देंगे आरुषा खान ने पिंकी का रोल प्ले किया हुआ है मोहन आगा से ने मिनिस्टर लालजी भगत का रोल प्ले किया हुआ है सीमा बिश्वास ने मिस पांडे यानी कि बच्चन पांडे की मां का रोल प्ले किया हुआ है तृष्णा सिंह ने स्मिता यानी कि वर्दिन की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है सुरेंद्र राजन ने मिस्टर देवेरकर कि म्यारा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है डोली ठाकुर ने इस फिल्म में क्राइम रिपोर्टर का रोल प्ले किया हुआ है नाजिर अब्दुल्ला ने म्यारा के डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है गौरव चोपड़ा ने भीमा का रोल प्ले किया हुआ है नेत्रम तिवारी ने बुलेट का रोल प्ले किया हुआ है सुनील पेंडुलकर ने इस फिल्म में कादरी का रोल प्ले किया हुआ है अरुण खेडवाल ने कुल्लेरिया का रोल प्ले किया हुआ है विपुल रॉय ने एंकर का रोल प्ले किया हुआ है तो ये इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए अपने किरदार में वो सभी काफ़ी बढ़िया तरीके से जच रहे थे जहाँ पे स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट सभी की परफॉर्मेंस अच्छी नज़र आ रही थी अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार थी इसके अलावा फिल्म का स्टोरी स्क्रीन प्ले काफ़ी पूरी तरह से लिखा हुआ है कैरेक्टर डेवलपमेंट में उतना कुछ खास नजर नहीं आ रहा था राइटिंग डिपार्टमेंट में काम किया जा सकता था अननेसेसरी कॉमेडी सीन्स को हटाया जा सकता था वीक एक्शन सिक्वेंस फिल्म को डल करते हुए नज़र आते हैं इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्शन में जिस तरह से सभी चीज़ें स्क्रीन प्ले में डाली हुई वो कुछ नजर उतनी कुछ खास नज़र नहीं आ रही थी रीमेक उतनी कुछ बढ़िया तरीके से किए हुए ऐसा महसूस नहीं हो रहा था इसके अलावा और सिनेमाटोग्राफर ने काफी बढ़िया तरीके से अक्षय कुमार के किरदार को शोकेस किया हुआ है जो फिल्म का जोनर है उसे अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटर ने इस फिल्म को एक डिसेंट एडिटिंग करके दी हुई है इस फिल्म को थोड़ा क्रिस्प और कर देते सवा दो घंटे के आसपास फिल्म को कर देते दो सवा दो घंटे के आसपास तो फिल्म थोड़ी बेटर हो सकती थी तो स्क्रीन प्ले थोड़ा टाइट हो जाता म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का काफ़ी बढ़िया है सॉन्ग में एक दो सॉन्ग अच्छे हैं वहीं पर एक दो सॉन्ग ठीक ठाक है लेकिन सॉन्ग्स की प्लेसमेंट उतनी कुछ खास नहीं है इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई एक सौ अस्सी करोड़ के बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ है जिसकी वजह से फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी जिस तरह से लेविस सेट देखने को मिलता है जिस तरह से लोकेशन क्रिएट किए हुए हैं वो सभी चीज़ें बढ़िया है फिल्म के डिज़ाइनर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है इसके अलावा आर्ट डायरेक्टर का काम भी अच्छा देखने को मिलेगा कैमरा मैन ने इस बजट का अच्छा खासा यूज़ किया हुआ है उन्होंने हर एक फ्रेम को एक अच्छा इनहेंस करने की कोशिश की हुई है इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं रिलीज के ऊपर तो बच्चन पांडे फिल्म को ओरिजिनली शेड्यूल किया गया था एक जनवरी 2020 को रिलीज करने का लेकिन बाद में चेंज करते हुए 22 जनवरी 2021 रखा हुआ था जहां पे आमिर खान की रिक्वेस्ट के साथ इस फिल्म को चेंज करते हुए अट्ठारह मार्च दो को फाइनली रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे फिल्म को रिलीज़ किया उसके एक हफ्ते पहले आई हुई थी द कश्मीर फाइल जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते धीरे धीरे बड़े बड़े शो हासिल कर रही थी जहाँ पे उस फिल्म ने राधे श्याम फिल्म को अच्छी खासी टक्कर दी राधे श्याम को पूरी तरह से ढेर कर दिया उसके बाद में बच्चन पांडे के शो भी जब नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला बच्चन पांडे का उसके बाद द कश्मीर फाइल फिल्म ने वो शो भी ले लिए थे और वो शो भी वहाँ पर काफी बढ़िया हाँ वर्क कर रहे थे लेकिन बच्चन पांडे के शो काफी कम हो गए थे जब फिल्म को रिलीज किया गया तब ए फिर एंड ने अनिल थडानी ने काफी बड़ी रिलीज दिलवाई थी इस फिल्म को काफी ज़्यादा बड़ी रिलीज थी लेकिन जिस तरह से बहुत मिक्स रिस्पॉन्स मिला फिल्म को ऑडियंस की तरफ से क्रिटिक्स की तरफ से ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते ये फिल्म को थिएटर में एक दो दिनों में काफ़ी कम स्क्रीन करवा दी गई, पे पे ये सभी रेटिंग पे आपको असर देखने को को मिलेगी। बच्चन पांडे को, भी पे के आपको देखने को मिले उसके उससे पहले कलेक्शन की थोड़ी जानकारी दे देता हूँ 180 करोड़ के बजट में फिल्म को बनाया गया था जहाँ पे पहले दिन 13 करोड़ 25 लाख का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था जो 2022 में फिल्म आई थी उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट ओपनिंग डे वाली फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी वहीं पे दूसरे दिन फिल्म ने 12 करोड़ का कलेक्शन किया ये थोड़ा डल आपको इसलिए एक दो करोड़ का जो कलेक्शन में डिफरेंस है वो इसलिए था क्योंकि धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउस ज़्यादा नेगेटिव हो रहा था और साथ ही में अक्षय कुमार का डम था जिसके चलते इतना कलेक्शन किया हुआ था तीसरे दिन भी फिल्म ने बारह करोड़ का एक कलेक्शन किया और टोटल डोमेस्टिक वीकेंड फिल्म का सैंतीस करोड़ पच्चीस लाख का रहा था चौबीस मार्च 2022 तक फिल्म ने करीबन पचास करोड़ के आसपास का इंडिया में कलेक्शन किया हुआ था नौ सवा नौ करोड़ के आसपास का ओवरसीज में कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कलेक्शन सत्तर करोड़ के आसपास का रहा था द काश्मीर फाइल का जो एक हैवी कॉम्पिटिशन इस फिल्म को मिला था उसके सामने ये फिल्म का कंटेंट उतना मजबूत नहीं था जिसके चलते ये फिल्म एक हफ्ते में से निकल गई थी जहाँ पे एक हफ्ते ये फिल्म चली और बॉक्स ऑफिस पे एक फेलर साबित हुई एक करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन पैंसठ से सत्तर करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे ओ टी सैटेलाइट के ऊपर भी इस फिल्म को वैसे ही मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे ओ पे इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के करीबन एक महीने के बाद रिलीज किया गया था जहाँ पे 25-28 दिनों के बाद इस फिल्म को 15 अप्रैल 2022 को ओ पे अवेलेबल करवा दिया गया था जहाँ पे इसके ओ टी राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए वहीं पर सेटेलाइट राइट्स जी सिनेमा वालों ने खरीदे हुए तो फिलहाल में फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन बच्चन पांडे के नाम से देखने को मिलेगी वहीं पर सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा के

बच्चन पांडे जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है फरहाद सामजी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है साजिद नडिया ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी एंटरटेनमेंट के नीचे करीबन 180 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है तो अक्षय कुमार के करियर की एक वन ऑफ हाईएस्ट बजट वाली फिल्मों में से एक फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ साजिद नडियाला फराज शाम तुषार हिर खेतरपाल तासा भामरा और जयेश कादरी ने इस फिल्म की कहानी है वो जिगत हंडा नाम की एक तमिल फिल्म थी उससे इंस्पायर्ड है वहीं पे वो तमिल फिल्म भी एक कोरियन फिल्म से इंस्पायर्ड है जहाँ पे जिगत हंडा को 2014 में कार्तिक सुब्बाराज ने बनाया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है साजिद नडियादवाला ने स्टोरी आइडिया भी उनका ही था स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार कृति सेनन जैकलिन फर्नाडिस अरसाद वारसी और पंकज त्रिपाठी इनके अलावा प्रतीक बबर संजय मिश्रा अभिमन्यु सिंह स्नेहल कुमार सुकला, अश्विन संतोष शुक्ला साजिद नडियादवाला अहमद खान आरुस खान मोहन अगासे सीमा बसवाज तृष्णा सिंह सुरेंद्र राजन डोली ठाकुरे नसीर अब्दुल्ला गौरव चोपड़ा नतरम तिवारी सुनील पेंडुकर अरुण खेतरवाल

दो घंटे छब्बीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया गया है जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पेक पैकमेम ने किया हुआ है वहीं पे सॉन्ग्स में अमाल मलिक बी प्राग जानी विक्रम मोन्थरॉय और रॉय की कंपोजिशन देखने को मिलेगी फिल्म में टोटल पाँच गाने कंपोज हुए हैं जहाँ पे पाँचों गानों के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर आपको देखने को मिलने वाले हैं जहाँ पे इसके राइट्स है वो भूषण कुमार टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए बड़ी रकम दे अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो बच्चन पांडे फिल्म को इनिशियली रीमेक बताया जा रहा था वीरम फिल्म का लेकिन मेकर्स ने कहा कि ये उनका ओरिजिनल आइडिया वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट के साथ आ रहे लेकिन बाद में जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता सभी चीज़ें क्लियर हुई सोर्सेज से पता चला कि बच्चन पांडे ऑफिशियली तमिल फिल्म जिकर ठंडा का रीमेक होने वाली है जहाँ पे इस फिल्म में जिगर ठंडा से तो वो सभी चीज़ें उठाई हुई थी वहीं पे गड्डल कोंडा गणी जो दो हज़ार उन्नीस में जिगर का रीमेक बनी थी वहीं से भी कुछ चीज़ें को उठाया हुआ है माँ वाला एंगल और दूसरे कुछ इमोशनल एंगल है वो वहीं से उठाए हुए तो दो फिल्मों से उन्होंने थोड़े थोड़े चीजों को लेकर अच्छी अच्छी चीजों को लेकर इस फिल्म का रीमेक बनाया हुआ है वैसे जिगर ठंडा फिल्म भी 2014 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक फिल्म थी जहां पे तमिल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर इस फिल्म ने धमाका मचाया हुआ था लेकिन वो फिल्म भी ऑफिशियली साउथ सॉरी अनऑफिशियली साउथ कोरियन फिल्म का इंस्पायर्ड वर्जन है डर्टी कार्निवल करके एक फिल्म आई हुई थी साउथ कोरिया में वो भी बड़ी हिट थी उस फिल्म का उन्होंने तमिल नेटिविटी के हिसाब से फिल्म बनाई हुई थी वहीं पे कनाडा में इस फिल्म का 2016 में रीमेक बना हुआ है सेम नाम के

गडलकोंडा गणेश के जो सीन से उसको मिक्स करके इस फिल्म को बनाया हुआ है बच्चन पांडे टाइटल किस तरह से पढ़ा था उसके ऊपर बातचीत करें तो अक्षय कुमार ने 2008 की एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म टसन बनाई हुई थी सैफ अली खान करीना कपूर के साथ में तो उस फिल्म में उन्होंने बच्चन पांडे वाला रोल प्ले किया हुआ था तो वो टाइटल उनको काफ़ी ज़्यादा वो नाम पसंद आ गया था उसके बाद में उन्होंने इस नाम के साथ ही पूरी फिल्म बना दी थी लेकिन बाद में बच्चन पांडे का जो टाइटल है उसमें उन्होंने स्पेलिंग में थोड़े चेंजेस किए हुए थे जहाँ पे पहले था बी एस सी एच सी एच ए एन पी ए एन डी ई वाई लेकिन बाद में जो स्पेलिंग चेंज करते हुए रखा हुआ था बी ए सी एच सी डबल एच ए एन पी डबल ए एन डी ई वाई तो इस तरह से बच्चन पांडे नाम रखते हुए फिल्म को रिलीज किया हुआ था प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो 6 जनवरी 2020 को जैसलमेर में स्टार्ट की हुई थी कोविड 19 के चलते सेटिंग को का शूटिंग को काफ़ी डिले करना पड़ा फिल्म की शूटिंग को रिस्टार्ट 6 जनवरी 2021 में किया गया था व्रेपअप जुलाई 2021 में किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो पांच म्यूजिक डायरेक्टर है अलग अलग लिरिस्ट है तो उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भूषण कुमार टी सीरीज के पास है गानों की टोटल लेंथ है वो सत्रह मिनट पचपन सेकंड है इन सभी गानों को सत्रह मार्च दो को ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पर ये पाँच गाने कौन से उसके ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना है मार्क आएगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए फरादा भिवाड़ी वाला विक्रम मोन्सरो और अजीम दयानी ने म्यूजिक दिया हुआ है विक्रम मो ने जहाँ पे सिंगर थे फराद वाला और विक्रम मो से इसके अलावा जान, मेरी जान वाला जो गाना है उसके लिरिक्स है, जानी ने लिखे हुए म्यूजिक है बी प्राक का सिंगर थे बी प्राक और लेंथ है गाने की चार मिनट आठ सेकंड तीसरा गाना है सारे बोलो बेवफा जिसके लिरिक्स जानी ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया था जानी ने और सिंगर थे बी प्राक इसके अलावा चौथा गाना हीर रांजना जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था माल मलिक ने सिंगर थे अरिजीत सिंह श्रेया घोषाल पांचवा गाना जो विशल थीम था वो इंस्ट्रूमेंटल था उसका म्यूजिक रोय ने कंपोज किया हुआ है तो इस तरह से टोटल पांच थीम के साथ गाने क्रिएट किए गए जिसको भूषण कुमार की ऑफिशियल प्लेटफॉर्म टी सीरीज़ के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते इस फिल्म में कौन सा आर्टिस्ट कौन सा रोल प्ले कर रहा था उसके ऊपर तो अक्षय कुमार वाला जो रोल है वो है गैंगस्टर बच्चन पांडे का वो लीड किरदार है फिल्म का टाइटल कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे अक्षय कुमार कृति सेना ने मायरा देवरकर का रोल प्ले किया हुआ है जो बच्चन पांडे का लव इंटरेस्ट और एक डायरेक्टर के तौर पे दिखाई देती है जैकलिन फर्नांडिस ने सोफी का रोल प्ले किया हुआ है जो बच्चन पांडे की लेट गर्लफ्रेंड थी अरसद वारसी ने विश्वकांत महात्रे यानी कि विशु का रोल प्ले किया हुआ है जो मायरा का बेस्ट फ्रेंड है पंकज त्रिपाठी ने गुरुजी भावेश भोपलो का रोल प्ले किया हुआ है प्रतीक बब्बर ने वर्जिन का रोल प्ले किया हुआ है संजय मिश्रा ने वफरिया चाचा का रोल प्ले किया हुआ है अभिमन्यु सिंह ने पेंडलम का रोल प्ले किया हुआ है स्नेहल डाबी ने जम्बो का रोल प्ले किया हुआ है साहस कुमार शुक्ला को कांडी का रोल दिया गया था अश्विन मूसरा ने प्रोड्यूसर राकेश वर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संतोष शुक्ला को एस पी सूर्यकांत मिश्रा का रोल दिया गया है साजिद नडियत वाला जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने इस फिल्म में फिल्म डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है अहमद खान फिल्म डायरेक्टर के तौर में दिखाई देंगे आरूषा खान ने पिंकी का रोल प्ले किया हुआ है मोहन आगा से ने मिनिस्टर लालजी भगत का रोल प्ले किया हुआ है सीमा बिश्वास ने मिस पांडे यानी कि बच्चन पांडे की मां का रोल प्ले किया हुआ है तृष्णा सिंह ने स्मिता यानी कि विन की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है सुरेंद्र राजन ने मिस्टर देवेर यानी कि म्यारा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है डोली ठाकुर ने इस फिल्म में क्राइम रिपोर्टर का रोल प्ले किया हुआ है नाजिर अब्दुल्ला ने म्यार के डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है गौरव चोपड़ा ने भीमा का रोल प्ले किया हुआ है नेत्रम तिवारी ने बुलेट का रोल प्ले किया हुआ है सुनील पेंडुलकर ने इस फिल्म में कादरी का रोल प्ले किया हुआ है अरुण खेडवाल ने कुल्लेरिया का रोल प्ले किया हुआ है विपुल रॉय ने एंकर का रोल प्ले किया हुआ है तो ये इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए अपने किरदार में वो सभी काफ़ी बढ़िया तरीके से जच रहे थे जहाँ पे स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट सभी की परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही थी अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार थी इसके अलावा फिल्म का स्टोरी स्क्रीन प्ले काफ़ी पूरी तरह से लिखा हुआ है कैरेक्टर डेवलपमेंट में उसमें कुछ खास नजर नहीं आ रहा था राइटिंग डिपार्टमेंट में काम किया जा सकता था अननेसेसरी कॉमेडी सीन्स को हटाया जा सकता था वीक एक्शन सिक्वेंस फिल्म को करते हुए नज़र आते हैं इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्शन में जिस तरह से सभी चीज़ें स्क्रीन प्ले में डाली हुई वो कुछ नजर उतनी कुछ खास नज़र नहीं आ रही थी रीमेक उतनी कुछ बढ़िया तरीके से किए हुए ऐसा महसूस नहीं हो रहा था इसके अलावा सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अक्षय कुमार के किरदार को शोकेस किया हुआ है जो फिल्म का जोनर है उसे अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटर ने इस फिल्म को एक डिसेंट एडिटिंग करके दी हुई है इस फिल्म को थोड़ा क्रिस्प और कर देते सवा दो घंटे के आसपास फिल्म को कर देते दो सवा दो घंटे के आसपास तो फिल्म थोड़ी बेटर हो सकती थी तो स्क्रीन प्ले थोड़ा टाइट हो जाता म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का काफ़ी बढ़िया है सॉन्ग में एक दो सॉन्ग अच्छे हैं वहीं पर एक दो सॉन्ग ठीक ठाक है लेकिन सॉन्ग्स की प्लेसमेंट उतनी कुछ खास नहीं है इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई एक सौ अस्सी करोड़ के बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ है जिसकी वजह से फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी जिस तरह से लेविस सेट देखने को मिलता है जिस तरह से लोकेशन क्रिएट किए हुए है वो सभी चीज़ें बढ़िया है फिल्म के डिज़ाइनर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है इसके अलावा डायरेक्टर का, का काम भी अच्छा देखने को मिलेगा कैमरा मैन ने इस बजट का अच्छा खासा यूज़ किया हुआ है उन्होंने हर एक फ्रेम को एक अच्छा इनहेंस करने की कोशिश की हुई है इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं रिलीज के ऊपर तो बच्चन पांडे फिल्म को ओरिजिनली शेड्यूल किया गया था एक जनवरी 2020 को रिलीज करने का लेकिन बाद में चेंज करते हुए 22 जनवरी 2021 रखा हुआ था जहां पे आमिर खान की रिक्वेस्ट के साथ इस फिल्म को चेंज करते हुए 18 मार्च 2022 को फाइनली रिलीज़ किया हुआ था जहां पे फिल्म को रिलीज़ किया उसके एक हफ्ते पहले आई हुई थी द कश्मीर फाइल जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते धीरे धीरे बड़े बड़े शो हासिल कर रही थी जहाँ पे उस फिल्म ने राधे श्याम फिल्म को अच्छी खासी टक्कर दी राधे श्याम को पूरी तरह से ढेर कर दिया उसके बाद में बच्चन पांडे के शो भी जब नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला बच्चन पांडे का उसके बाद द कश्मीर फाइल फिल्म ने वो शो भी ली ले लिए थे और वो शो भी वहां पे काफी बढ़िया हाँ वर्क करे थे लेकिन बच्चन पांडे के शो काफी कम हो गए थे जब फिल्म को रिलीज किया गया तब ए फिर एंड ने अनिल थडानी ने काफी बड़ी रिलीज दिलवाई थी इस फिल्म को काफी ज्यादा बड़ी रिलीज थी लेकिन जिस तरह से बहुत मिक्स रिस्पॉन्स मिला फिल्म को ऑडियंस की तरफ से क्रिटिक्स की तरफ से ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते ये फिल्म को थिएटर में एक दो दिनों में काफी कम स्क्रीन करवा दी गई जहां ये सभी रेटिंग पे आपको असर देखने को, मिले बच्चन पांडे को करीबन के ऊपर उससे पहले मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थोड़ी जानकारी दे देता हूँ 180 करोड़ के बजट में फिल्म को बनाया गया था जहाँ पे पहले दिन 13 करोड़ 25 लाख का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था जो 2022 में फिल्म में आई थी उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट ओपनिंग डे वाली फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी वहीं पे दूसरे दिन फिल्म ने 12 करोड़ का कलेक्शन किया ये थोड़ा डल आपको इसलिए एक दो करोड़ का जो कलेक्शन में डिफरेंस है वो इसलिए था क्योंकि धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउस ज़्यादा नेगेटिव हो रहा था और साथ ही में अक्षय कुमार का स्टार डम था जिसके चलते इतना कलेक्शन किया होता तीसरे दिन भी फिल्म ने 12 करोड़ का एक कलेक्शन किया और टोटल डोमेस्टिक वीकेंड फिल्म का सैंतीस करोड़ पच्चीस लाख का रहा था चौबीस मार्च दो तक फिल्म ने करीबन पचास करोड़ के आसपास का इंडिया में कलेक्शन किया हुआ था नौ करोड़ के आसपास का ओवरसीज में कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कलेक्शन सत्तर करोड़ के आसपास का रहा था द काश्मीर फाइल का जो एक हेवी कंपटीशन इस फिल्म को मिला था उसके सामने ये फिल्म का कंटेंट उतना मजबूत नहीं था जिसके चलते फिल्म एक हफ्ते में निकल गई थी जहां पे एक हफ्ते ये फिल्म चली और बॉक्स ऑफिस पे एक फेलर साबित हुई एक करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन पैंसठ से सत्तर करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे ओ टी टी सैटेलाइट के ऊपर भी इस फिल्म को वैसे ही मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे ओ टी टी पे इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के करीबन एक महीने के बाद रिलीज किया गया था जहाँ पे पच्चीस अट्ठाईस दिनों के बाद इस फिल्म को पंद्रह अप्रैल दो हज़ार बाईस को ओ टी टी पे अवेलेबल करवा दिया गया था जहाँ पे इसके ओ टी टी राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए वहीं पर सेटेलाइट राइट्स जी सिनेमा वालों ने खरीदे हुए तो फिलहाल में ये फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन बच्चन पांडे के नाम से देखने को मिलेगी वहीं पर सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा के

बच्चन पांडे जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ फरहाद शाम जी ने

एक कोरियन फिल्म से इंस्पायर्ड है जहां पे जिगर ठंडा को 2014 में कार्तिक सुब्बाराज ने बनाया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है साजिद नडियादवाला ने स्टोरी आइडिया भी उनका ही था स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार कृति सेनन जैकलिन फर्नांडिस अरसाद वारसी और, और पंकज त्रिपाठी इनके अलावा प्रतीक बबर संजय मिश्रा अभिमन्यु सिंह स्नेहल दाबी सहारा कुमार शुक्ला अश्विन मोश्रम संतोष शुक्ला साजिद नडियादवाला अहमद खान आरूज खान मोहन अगासे सीमा बसवाज तृष्णा सिंह सुरेंद्र राजन डोली ठाकुरे नसीर अब्दुल्ला गौरव चोपड़ा नतरम तिवारी सुनील पेंडुकर अरुण खेतरवाल और विपुन रॉय तो इस तरह से इतने और देखने को मिलेगी जिन्होंने अनिल फिल्म्स ने इस फिल्म को अच्छी खासी बड़ी रिलीज दिलवाई हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें सिनेमेटोग्राफी का देखने को मिलेगी गेवी मेक यू एरी की एडिटिंग की हुई चारों श्री रॉय ने जिन्होंने फिल्म को करीबन एक मिनट यानी कि दो घंटे छब्बीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया गया है जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पेकमेम ने किया हुआ है वहीं पे सॉन्ग्स में अमाल मलिक बी प्राग चान्नी विक्रम मोन्थरॉय और रॉय की कंपोजिशन देखने को मिलेगी फिल्म में टोटल पांच गाने कंपोज हुए जहाँ पे पांचों गानों के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर आपको देखने को मिलने वाले हैं जहाँ पे इसके राइट से वो भूषण कुमार टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए बड़ी रकम देखे अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो बच्चन पांडे फिल्म को इनिशियली रीमेक बताया जा रहा था वीरम फिल्म का लेकिन मेकर्स ने कहा कि ये उनका ओरिजिनल आइडिया है वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट के साथ आ रहे लेकिन बाद में जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता सभी चीज़ें क्लियर हुई सोर्सेज से पता चला कि बच्चन पांडे ऑफिशियली तमिल फिल्म जिगर थंडा का रीमेक होने वाली है जहाँ पे इस फिल्म में जिगर थंडा से तो सभी चीज़ें उठाई हुई थी वहीं पे गड्डल कोंडा गणेश जो दो हज़ार उन्नीस में जिगर थंडा का रीमेक बनी थी वहीं से भी कुछ चीज़ें को उठाया हुआ है माँ वाला एंगल और दूसरे कुछ इमोशनल एंगल है वो वहीं से उठाए हुए तो दो फिल्मों से उन्होंने थोड़े थोड़े चीजों को लेकर अच्छी अच्छी चीजों को लेकर इस फिल्म का रीमेक बनाया हुआ है वैसे जिगर ठंडा फिल्म भी 2014 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक फिल्म थी जहां पे तमिल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर इस फिल्म 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 ने धमाका मचाया हुआ था लेकिन वो फिल्म भी ऑफिशियली साउथ साउथ कोर सॉरी अनऑफिशियली कोरियन का इंस्पायर्ड वर्जन आडर डर्टी कार्निवल करके एक फिल्म आई हुई थी साउथ कोरिया में वो भी बड़ी हिट थी उस फिल्म का उन्होंने तमिल नेटिविटी के हिसाब से फिल्म बनाई हुई थी वहीं पे कनाडा में इस फिल्म का 2016 में रीमेक बना हुआ है सेम नाम के साथ जिगर ठंडा के ही नाम से गड्डलोंडा गणेश नाम से 2019 में वरुण तेज के साथ इस फिल्म का रीमेक बनाया हुआ था और गड्डलोंडा गणेश के राइड से वो वालों ने खरीदे हुए जिन्होंने इस फिल्म को गड्डलकोंडा गणेश के नाम से हिंदी वर्जन में यूट्यूब पे और टेलीविजन के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया हुआ है वहीं पर बच्चन पांडे फिल्म के रीमेक राइट साजिद नडियज वाला ने पहले ही खरीद लिए थे वो भी बड़ी रकम देखी जिसको बाद में जिगर ठंडा और गडलकोंडा गणेश के जो सीन से उसको मिक्स करके इस फिल्म को बनाया हुआ है बच्चन पांडे टाइटल किस तरह से पढ़ा था उसके ऊपर बातचीत करें तो अक्षय कुमार ने 2008 की एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म टसन बनाई हुई थी सैफ अली खान करीना कपूर के साथ में तो उस फिल्म में उन्होंने बच्चन पांडे वाला रोल प्ले किया हुआ था तो वो टाइटल उनको काफ़ी ज़्यादा वो नाम पसंद आ गया था उसके बाद में उन्होंने इस नाम के साथ ही पूरी फिल्म बना दी थी लेकिन बाद में बच्चन पांडे का जो टाइटल है उसमें उन्होंने स्पेलिंग में थोड़े चेंजेस किए हुए थे जहाँ पे पहले था बी ए सी एच सी एच ए एन पी ए एन डी ई वाई लेकिन बाद में जो स्पेलिंग चेंज करते हुए रखा हुआ था बी ए सी एच C W H A N P W -A, A N D E Y तो इस तरह से बच्चन पांडे नाम रखते हुए फिल्म को रिलीज किया हुआ था प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो 6 जनवरी 2020 को जैसलमेर में स्टार्ट की हुई थी कोविड-19 के चलते सेटिंग को, को काफी शूटिंग को काफी डिले करना पड़ा फिल्म की शूटिंग को रिस्टार्ट 6 जनवरी 2021 में किया गया था रैप अप जुलाई 2021 में किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो पांच म्यूजिक डायरेक्टर हैं अलग अलग लिरिस्ट है तो उसके ऊपर बातचीत कर लेते है इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भूषण कुमार टी सीरीज के पास है गानों की टोटल लेंथ है वो सत्रह मिनट पचपन सेकंड है इन सभी गानों को सत्रह मार्च दो हज़ार बाईस को ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पर ये पाँच गाने कौन से उसके ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना है मार खाएगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए फराद भिवाडी वाला विक्रम मोन्सरोय और अजीम दयानी ने म्यूजिक दिया हुआ है विक्रम ने जहाँ पे सिंगर थे फराद भीमाडी वाला और विक्रम से इसके अलावा मेरी जान, मेरी जान वाला जो गाना है उसके लिरिक्स जानी ने लिखे हुए म्यूजिक है बी प्राक का सिंगर थे बी प्राक और लेंथ है गाने की चार मिनट आठ सेकंड तीसरा गाना है सारे बोलो बेवफा जिसके लिरिक्स जानी ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया था जानी ने और सिंगर थे बी प्राक इसके अलावा चौथा गाना हीर रंजना जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था माल मलिक ने सिंगर थे अरिजीत सिंह श्रेया घोषाल पांचवा गाना जो विशल थीम था वो इंस्ट्रूमेंटल था उसका म्यूजिक रोय ने कंपोज किया हुआ है तो इस तरह से टोटल पाँच थीम के साथ गाने क्रिएट किए गए जिसको भूषण कुमार की ऑफिशियल प्लेटफॉर्म टी सीरीज़ के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते इस फिल्म में कौन सा आर्टिस्ट कौन सा रोल प्ले कर रहा था उसके ऊपर तो अक्षय कुमार वाला जो रोल है वो है गैंगस्टर बच्चन पांडे का वो लीड किरदार है फिल्म का टाइटल कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे अक्षय कुमार कृति सेना ने मायरा देवरकर का रोल प्ले किया हुआ है जो बच्चन पांडे का लव इंटरेस्ट और एक डायरेक्टर के तौर पे दिखाई देती है जैकलिन फर्नाडिस ने सोफ़ी का रोल प्ले किया हुआ है जो बच्चन पांडे की लेट गर्लफ्रेंड थी अरसद वारसी ने विश्वकांत महात्रे यानी कि विशु का रोल प्ले किया हुआ है जो मायरा का बेस्ट फ्रेंड है पंकज त्रिपाठी ने गुरुजी भावेश भोपलो का रोल प्ले किया हुआ है प्रतीक बब्बर ने वर्जिन का रोल प्ले किया हुआ है संजय मिश्रा ने बफरिया चाचा का रोल प्ले किया हुआ है अभिमन्यु सिंह ने पेंडलम का रोल प्ले किया हुआ है स्नेहल डाबी ने जम्बो का रोल प्ले किया हुआ है साहस कुमार शुक्ला को कांडी का रोल दिया गया था अश्विन मूश्रा ने प्रोड्यूसर राकेश वर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संतोष शुक्ला को एस सूर्यकांत मिश्रा का रोल दिया गया है साजिद नडिया वाला जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने इस फिल्म में फिल्म डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है अहमद खान फिल्म डायरेक्टर के तौर में दिखाई देंगे आरुषा खान ने पिंकी का रोल प्ले किया हुआ है मोहन

का रोल प्ले किया हुआ है अरुण खेडवाल ने कुल्लेरिया का रोल प्ले किया हुआ है विपुल रॉय ने एंकर का रोल प्ले किया हुआ है तो ये इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए अपने किरदार में वो सभी काफ़ी बढ़िया तरीके से जच रहे थे जहाँ पे स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट सभी की परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही थी अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार थी इसके अलावा फिल्म का स्टोरी स्क्रीन प्ले काफ़ी पूरी तरह से लिखा हुआ है कैरेक्टर डेवलपमेंट में उतना कुछ खास नजर नहीं आ रहा था राइटिंग डिपार्टमेंट में काम किया जा सकता था अननेसेसरी कॉमेडी सीन्स को हटाया जा सकता था वीक एक्शन सिक्वेंस फिल्म को डल करते हुए नजर आते हैं इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्शन में जिस तरह से सभी चीज़ें स्क्रीन प्ले में डाली हुई वो उतनी कुछ खास नज़र नहीं आ रही थी रीमेक उतनी कुछ बढ़िया तरीके से किए हुए ऐसा महसूस नहीं हो रहा था इसके अलावा सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अक्षय कुमार के किरदार को शोकेश किया हुआ है जो फिल्म का जोनर है उसे अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटर ने इस फिल्म को एक डिसेंट एडिटिंग करके दी हुई है इस फिल्म को थोड़ा क्रिस्प और कर देते सवा दो घंटे के आसपास फिल्म को कर देते दो सवा दो घंटे के आसपास तो फिल्म थोड़ी बेटर हो सकती थी तो स्क्रीन प्ले थोड़ा टाइट हो जाता म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का काफ़ी बढ़िया है सॉन्ग में एक दो सॉन्ग अच्छे हैं वहीं पर एक दो सॉन्ग ठीक ठाक है लेकिन सॉन्ग्स की प्लेसमेंट उतनी कुछ खास नहीं है इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई एक सौ अस्सी करोड़ के बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ है जिसकी वजह से फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी जिस तरह से लेविस सेट देखने को मिलता है जिस तरह से लोकेशन क्रिएट किए हुए वो सभी चीज़ें बढ़िया है फिल्म के डिज़ाइनर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है इसके अलावा डायरेक्टर का काम भी अच्छा देखने को मिलेगा कैमरा ने इस बजट का अच्छा खासा यूज़ किया हुआ है उन्होंने हर एक फ्रेम को एक अच्छा इनहेंस करने की कोशिश की हुई है इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं रिलीज के ऊपर तो बच्चन पांडे फिल्म को ओरिजिनली शेड्यूल किया गया था एक जनवरी 2020 को रिलीज़ करने का लेकिन बाद में चेंज करते हुए 22 जनवरी 2021 रखा हुआ था जहां पे आमिर खान की रिक्वेस्ट के साथ इस फिल्म को चेंज करते हुए अट्ठारह मार्च दो को फाइनली रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे फिल्म को रिलीज़ किया उसके एक हफ्ते पहले आई हुई थी द कश्मीर फाइल जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते धीरे धीरे बड़े बड़े शो हासिल कर रही थी जहाँ पे उस फिल्म ने राधेश श्याम फिल्म को अच्छी खासी टक्कर दी राधेश्याम को पूरी तरह से ढेर कर दिया उसके बाद में बच्चन पांडे के शो भी जब नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला बच्चन पांडे का उसके बाद द कश्मीर फाइल फिल्म ने बच्चन पांडे के शो काफी कम हो गए थे जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब ए फिर तबानी ने अनिल थडानी ने काफी बड़ी रिलीज दिलवाई थी इस फिल्म को काफ़ी ज्यादा बड़ी रिलीज थी लेकिन जिस तरह से बहुत मिक्स रिस्पॉन्स मिला फिल्म को ऑडियंस की तरफ से क्रिटिक्स की तरफ से ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते ये फिल्म को थिएटर में एक दो दिनों में काफ़ी कम स्क्रीन करवा दी गई पे पे ये सभी रेटिंग पे आपको असर देखने को मिलेगी बच्चन पांडे को, भी पे के आपको देखने को मिले उसके ऊपर उससे पहले बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थोड़ी जानकारी दे देता हूँ एक करोड़ के बजट में फिल्म को बनाया गया था जहाँ पे पहले दिन तेरह करोड़ पच्चीस लाख का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था जो 2022 में फिल्म आई थी उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट ओपनिंग डे वाली फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी वहीं पे दूसरे दिन फिल्म ने 12 करोड़ का कलेक्शन किया ये थोड़ा डल आपको इसलिए एक दो करोड़ का जो कलेक्शन में डिफरेंस है वो इसलिए था क्योंकि धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउस ज़्यादा नेगेटिव हो रहा था और साथ ही में अक्षय कुमार का स्टारडम था जिसके चलते इतना कलेक्शन किया होता तीसरे दिन भी फिल्म ने 12 करोड़ का ही कलेक्शन किया और टोटल डोमेस्टिक वीकेंड फिल्म का सैंतीस करोड़ 25 लाख का रहा था 24 मार्च 2022 तक फिल्म ने करीबन 50 करोड़ के आसपास का इंडिया में कलेक्शन किया हुआ था नौ सवा नौ करोड़ के आसपास का ओवरसीज में कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कलेक्शन सत्तर करोड़ के आसपास का रहा था द काश्मीर फाइल का जो एक ही हैवी कॉम्पिटिशन इस फिल्म को मिला था उसके सामने ये फिल्म का कंटेंट उतना मजबूत नहीं था जिसके चलते फिल्म एक हफ्ते में निकल गई थी जहां पे एक हफ्ते ये फिल्म चली और बॉक्स ऑफिस पे एक फेलर साबित हुई एक 180 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन पैंसठ से सत्तर करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे ओ टी टी सैटेलाइट के ऊपर भी इस फिल्म को वैसे ही मिक्स रिस्पांस मिला जहाँ पे ओ पे इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के करीबन एक महीने के बाद रिलीज किया गया था जहाँ पे 25-28 दिनों के बाद इस फिल्म को 15 अप्रैल 2022 को ओ टी पे अवेलेबल करवा दिया गया था जहाँ पे इसके ओ टी राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए वहीं पर सेटेलाइट राइट्स जी सिनेमा वालों ने खरीदे हुए तो फिलहाल में यह फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन बच्चन पांडे के नाम से देखने को मिलेगी वहीं पर सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा के

बच्चन पांडे जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है फ़रहादम सामजी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया नडियाद वाला नडियाद वाला, के के हुआ है साजिद नडियादवाला ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी से एक फिल्म है। जहां पे इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ साजिद नडियालामजी तुषार हिर नंदा निष्पर्श खेतरपाल ताशा भामरा और जयेश कादरी ने इस फिल्म की कहानी वो जिगत हंडा नाम की तमिल फिल्म थी उससे इंस्पायर्ड है वहीं पे वो तमिल फिल्म भी एक कोरियन फिल्म से इंस्पायर्ड है जहां पे जिगर ठंडा को 2014 में कार्तिक सुब्बाराज ने बनाया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ साजिद नडियादवाला ने स्टोरी आइडिया भी उनका ही था स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार कृति सेनन जैकलिन फर्नाडिस अरसाद वारसी और, और पंकज त्रिपाठी इनके अलावा प्रतीक बबर संजय मिश्रा अभिमन्यु सिंह स्नेहल दाबी सहारा कुमार शुक्ला अश्विन मोश्रम संतोष शुक्ला साजिद नडियादवाला अहमद खान आरुष खान मोहन अगासे सीमा बसवाज तृष्णा सिंह सुरेंद्र राजन डोली ठाकुरे नसीर अब्दुल्ला गौरव चोपड़ा नतरम तिवारी सुनील पेंडुकर अरुण खेतरवाल और विपुन रॉय तो इस तरह से इतने सपोर्टिंग आर्टिस्ट और लीड कास्ट देखने को मिलेगी जिन्होंने फिल्म में कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म ने अनिल फिल्म्स ने इस फिल्म को अच्छी खासी बड़ी रिलीज दिलवाई हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें सिनेमेटोग्राफी का देखने को मिलेगी गेवी मेक यू मे की एडिटिंग की हुई चारों श्री रोई ने जिन्होंने फिल्म को करीबन एक मिनट यानी कि दो घंटे छब्बीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया गया है जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर जुलियस पेकमेम ने किया हुआ है वहीं पे सॉन्ग्स में अमाल मलिक प्रक जानी विक्रम मथ्रोय और रॉय की कंपोजिशन देखने को मिलेगी फिल्म में टोटल 5 गाने कंपोज हुए हैं जहां पे पांचों गानों के लिए अलग-अलग म्यूजिक डायरेक्टर आपको देखने को मिलने वाले हैं जहां पे इसके राइट्स है वो भूषण कुमार टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए बड़ी रकम देकर अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो बच्चन पांडे फिल्म को इनिशियली रिमेक बताया जा रहा था विरम फिल्म का लेकिन मेकर्स ने कहा कि ये उनका ओरिजिनल आइडिया वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट के साथ आ रहे लेकिन बाद में जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता सभी चीज़ें क्लियर हुई सोर्सेज से पता चला कि बच्चन पांडे ऑफिशियली तमिल फिल्म जिकर थंडा का रीमेक होने वाली है जहाँ पे इस फिल्म में जिगर जिगरथंडा से तो वो सभी चीज़ें उठाई हुई थी वहीं पे गड्डल कोंडा गणेश जो दो हज़ार उन्नीस में जिगर थंडा का रीमेक बनी थी वहीं से भी कुछ चीज़ें को उठाया हुआ है माँ वाला एंगल और दूसरे कुछ इमोशनल एंगल है वो वहीं से उठाए हुए तो दो फिल्मों से उन्होंने थोड़े थोड़े चीजों चीजों को लेकर अच्छे-अच्छी ले के ऊपर इस फिल्म ने धमाका मचाया हुआ था लेकिन वो फिल्म भी ऑफिशियली अनऑफिशियली साउथ कोरियन फिल्म का इंस्पायर्ड वर्जन अर्डर टी कार्निवल करके एक फिल्म आई हुई थी साउथ कोरिया में वो भी बड़ी हिट थी उस फिल्म का उन्होंने तमिल नेटिविटी के हिसाब से फिल्म बनाई हुई थी वहीं पे कनाडा में इस फिल्म का 2016 में रीमेक बना हुआ है सेम नाम के साथ जिगत ठंडा के ही नाम से गड्डल कोंडा गणेश नाम से 2019 में वरुण तेज के साथ इस फिल्म का रीमेक बनाया हुआ था और गड्डल कोंडा गणेश के राइट से वो गोलमस वालों ने खरीदे हुए जिन्होंने इस फिल्म को गड्डल गणेश के नाम से हिंदी वर्जन में यूट्यूब पे और टेलीविजन के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया हुआ है वहीं पर बच्चन पांडे फिल्म के रिमेक राइट साजिद नडियवाला ने पहले ही खरीद लिए थे वो भी बड़ी रकम देखी जिसको आदमी जगह ठंडा और uh, गडलकोंडा गणेश के जो सीन से उसको मिक्स करके इस फिल्म को बनाया हुआ है बच्चन पांडे टाइटल किस तरह से पढ़ा था उसके ऊपर बातचीत करें तो अक्षय कुमार ने 2008 की एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म टसन बनाई हुई थी सैफ अली खान का रीना कपूर के साथ में तो उस फिल्म में उन्होंने बच्चन पांडे वाला रोल प्ले किया हुआ था तो वो टाइटल उनको काफ़ी ज़्यादा वो नाम पसंद आ गया था उसके बाद में उन्होंने इस नाम के साथ ही पूरी फिल्म बना दी थी लेकिन बाद में बच्चन पांडे का जो टाइटल है उसमें उन्होंने स्पेलिंग में थोड़े चेंजेस किए हुए थे जहाँ पे पहले था बी ए सी एच सी एच ए एन पी ए ए ए ए ए एन डी ई वाई लेकिन बाद में जो स्पेलिंग चेंज करते हुए रखा हुआ था बी ए सी एच सी डबल एच ए ए एन पी डबल ए एन डी ई वाई तो इस तरह से बच्चन पांडे नाम रखते हुए फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो 6 जनवरी 2020 को जैसलमेर में स्टार्ट की हुई थी कोविड 19 के चलते सेटिंग को का शूटिंग को काफ़ी डिले करना पड़ा फिल्म की शूटिंग को रिस्टार्ट 6 जनवरी 2021 में किया गया था वेप ऑफ जुलाई 2021 में किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो पांच म्यूजिक डायरेक्टर है अलग अलग लिरिस्ट है तो उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भूषण कुमार टी सीरीज के पास है गानों की टोटल लेंथ है वो सत्रह मिनट पचपन सेकंड है इन सभी गानों को सत्रह मार्च दो हज़ार बाईस को ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पर ये पाँच गाने कौन से उसके ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना है मार खाएगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए फरादा भिवाड़ी वाला विक्रम मॉन्सरोय और अज़ीम दयानी ने म्यूजिक दिया हुआ है वि, विक्रम मॉन्सरो ने जहाँ पे सिंगर थे फराद भीमाड़ी वाला और विक्रम मॉंतरो से इसके अलावा बैरीजान मेरी, मेरी जान वाला जो गाना है उसके लिरिक्स हैं जानी ने लिखे हुए म्यूजिक है बी प्राक का सिंगर थे बी प्राक और लेंथ है गाने की चार मिनट आठ सेकंड तीसरा गाना है सारे बोलो बेवफा जिसके लिरिक्स जानी ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था जानी ने और सिंगर थे बी प्राक इसके अलावा चौथा गाना हीर रांजना जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूज़िक दिया हुआ था माल मलिक ने सिंगर थे अरिजीत सिंह श्रेया घोषाल पाँचवा गाना जो विशल थीम था वो इंस्ट्रूमेंटल था उसका म्यूजिक रोई ने कंपोज़ किया हुआ है तो इस तरह से टोटल पांच थीम के साथ गाने क्रिएट किए गए जिसको भूषण कुमार की ऑफिशियल प्लेटफॉर्म टी सीरीज के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते इस फिल्म में कौन सा आर्टिस्ट कौन सा रोल प्ले कर रहा था उसके ऊपर तो अक्षय कुमार वाला जो रोल है वो है गैंगस्टर बच्चन पांडे का वो लीड किरदार है फिल्म का टाइटल कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे अक्षय कुमार कृति सेना ने मायरा देवरकर का रोल प्ले किया हुआ है जो बच्चन पांडे का लव इंटरेस्ट और डायरेक्टर के तौर पे दिखाई देती है जेकलिन फर्नाडिस ने सोफी का रोल प्ले किया हुआ है जो बच्चन पांडे की लेट गर्लफ्रेंड थी अरसद वारसी ने विश्वकांत महात्रे यानी कि विशु का रोल प्ले किया हुआ है जो मायरा का बेस्ट फ्रेंड है पंकज त्रिपाठी ने गुरुजी भावेश भोपलो का रोल प्ले किया हुआ है प्रतीक बब्बर ने वर्जिन का रोल प्ले किया हुआ है संजय मिश्रा ने बफरिया चाचा का रोल प्ले किया हुआ है अभिमन्यु सिंह ने पेंडलम का रोल प्ले किया हुआ है स्नेहल डाबी ने जंबो का रोल प्ले किया हुआ है साहस कुमार शुक्ला को कांडी का रोल दिया गया था अश्विन ने प्रोड्यूसर राकेश वर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संतोष शुक्ला को एस सूर्यकांत मिश्रा का रोल दिया गया है साजिद नडियज वाला जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने इस फिल्म में फिल्म डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है अहमद खान फिल्म डायरेक्टर के तौर में दिखाई देंगे आरूषा खान ने पिंकी का रोल प्ले किया हुआ है

का रोल प्ले किया हुआ है अरुण खेडवाल ने कुल्लेरिया का रोल प्ले किया हुआ है विपुल रॉय ने एंकर का रोल प्ले किया हुआ है तो ये इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए अपने किरदार में वो सभी काफ़ी बढ़िया तरीके से जच रहे थे जहाँ पे स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट सभी की परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही थी अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार थी इसके अलावा फिल्म का स्टोरी स्क्रीन प्ले काफ़ी पूरी तरह से लिखा हुआ है कैरेक्टर डेवलपमेंट में उतना कुछ खास नजर नहीं आ रहा था राइटिंग डिपार्टमेंट में काम किया जा सकता था अननेसेसरी कॉमेडी सीन्स को हटाया जा सकता था वीक एक्शन सिक्वेंस फिल्म को करते हुए नज़र आते हैं इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्शन में जिस तरह से सभी चीज़ें स्क्रीन प्ले में डाली हुई वो उतनी कुछ खास नज़र नहीं आ रही थी रीमेक उतनी कुछ बढ़िया तरीके से किए हुए ऐसा महसूस नहीं हो रहा था इसके अलावा सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अक्षय कुमार के किरदार को शोकेस किया हुआ है जो फिल्म का जोनर है उसे अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटर ने इस फिल्म को एक डिसेंट एडिटिंग करके दी हुई है इस फिल्म को थोड़ा क्रिस्प और कर देते सवा दो घंटे के आसपास फिल्म को कर देते दो सवा दो घंटे के आसपास तो फिल्म थोड़ी बेटर हो सकती थी तो स्क्रीन प्ले थोड़ा टाइट हो जाता म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का काफ़ी बढ़िया है सॉन्ग में एक दो सॉन्ग अच्छे हैं वहीं पर एक दो सॉन्ग ठीक ठाक है लेकिन सॉन्ग्स की प्लेसमेंट उतनी कुछ खास नहीं है इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई एक सौ अस्सी करोड़ के बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ है जिसकी वजह से फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी जिस तरह से लेविस सेट देखने को मिलता है जिस तरह से लोकेशन क्रिएट किए हुए वो सभी चीज़ें बढ़िया है फिल्म के डिज़ाइनर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है इसके अलावा डायरेक्टर का काम भी अच्छा देखने को मिलेगा कैमरा मैन ने इस बजट का अच्छा खासा यूज़ किया हुआ है उन्होंने हर एक फ्रेम को एक अच्छा इनहेंस करने की कोशिश की हुई है इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं रिलीज़ के ऊपर तो बच्चन पांडे फिल्म को ओरिजिनली शेड्यूल किया गया था एक जनवरी 2020 को रिलीज करने का लेकिन बाद में चेंज करते हुए 22 जनवरी 2021 रखा हुआ था जहां पे आमिर खान की रिक्वेस्ट के साथ इस फिल्म को चेंज करते हुए 18 मार्च 2022 को फाइनली रिलीज किया हुआ था जहाँ पे फिल्म को रिलीज किया उसके एक हफ्ते पहले आई हुई थी द कश्मीर फाइल जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते धीरे धीरे बड़े बड़े शो हासिल कर रही थी जहाँ पे उस फिल्म ने राधे श्याम फिल्म को अच्छी खासी टक्कर दी राधे श्याम को पूरी तरह से ढेर कर दिया उसके बाद में बच्चन पांडे के शो भी जब नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला बच्चन पांडे का उसके बाद द काश्मीर फाइल फिल्म ने वो शो भी ले लिए थे और वो शो भी वहाँ पे काफी बढ़िया हाँ वर्क करे थे लेकिन बच्चन पांडे के शो काफी कम हो गए थे जब फिल्म को रिलीज किया गया तब ए फिर तबानी ने अनिल थडानी ने काफी बड़ी रिलीज दिलवाई थी इस फिल्म को काफी ज्यादा बड़ी रिलीज थी लेकिन जिस तरह से बहुत मिक्स रिस्पॉन्स मिला फिल्म को ऑडियंस की तरफ से क्रिटिक्स की तरफ से ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते ये फिल्म को थिएटर में एक दो दिनों में काफ़ी कम स्क्रीन करवा दी गई, जहां ये सभी रेटिंग पे आपको असर देखने को मिलेगी पांडे को पे उसके ऊपर उससे पहले मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थोड़ी जानकारी दे देता हूँ 180 करोड़ के बजट में फिल्म को बनाया गया था जहाँ पे पहले दिन 13 करोड़ 25 लाख का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था जो 2022 में फिल्म आई थी उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट ओपनिंग डे वाली फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी वहीं पे दूसरे दिन फिल्म ने 12 करोड़ का कलेक्शन किया ये थोड़ा डल आपको इसलिए एक दो करोड़ का जो कलेक्शन में डिफरेंस है वो इसलिए था क्योंकि धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउस ज्यादा नेगेटिव हो रहा था और साथ ही में अक्षय कुमार का स्टार डम था जिसके चलते इतना कलेक्शन किया हुआ था तीसरे दिन भी फिल्म ने 12 करोड़ का एक कलेक्शन किया और टोटल डोमेस्टिक वीकेंड फिल्म का सैंतीस करोड़ पच्चीस लाख का रहा था चौबीस मार्च दो तक फिल्म ने करीबन पचास करोड़ के आसपास का इंडिया में कलेक्शन किया हुआ था नौ सवा नौ करोड़ के आसपास का ओवरसीज में कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कलेक्शन सत्तर करोड़ के आसपास का रहा था द काश्मीर फाइल का जो एक हेवी कंपटीशन इस फिल्म को मिला था उसके सामने ये फिल्म का कंटेंट उतना मजबूत नहीं था जिसके चलते ये फिल्म एक हफ्ते में से निकल गई थी जहां पे एक हफ्ते ये फिल्म चली और बॉक्स ऑफिस पे एक फेलर साबित हुई एक सौ अस्सी करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन पैंसठ से सत्तर करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे ओ टी सैटेलाइट के ऊपर भी इस फिल्म को वैसे ही मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे ओ पे इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के करीबन एक महीने के बाद रिलीज किया गया था जहाँ पे 25-28 दिनों के बाद इस फिल्म को 15 अप्रैल 2022 को ओ पे अवेलेबल करवा दिया गया था जहाँ पे इसके ओ टी राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए वहीं पर सेटेलाइट राइट्स जी सिनेमा वालों ने खरीदे हुए तो फिलहाल मैं फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन बच्चन पांडे के नाम से देखने को मिलेगी वहीं पर सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा के पर आपको ये फिल्म बिल्कुल फ्री में बच्चन पांडे के नाम से देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ इस फिल्म के सेटेलाइट राइट जिस सिनेमा सी के पास है तो ये फिल्म आपको सेटेलाइट चैनल जिस सिनेमा के ऊपर बिल्कुल फ्री में बच्चन पांडे के नाम से देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप ये फिल्म बच्चन पांडे फिल्म सेटेलाइट और ओटीटी के ऊपर एंजॉय कर पाओगे

ताशा भामरा और जयस कादरी ने इस फिल्म की कहानी है वो जिगत हंडा नाम की एक तमिल फिल्म थी उससे इंस्पायर्ड है वहीं पे वो तमिल फिल्म भी एक कोरियन फिल्म से इंस्पायर्ड है जहाँ पे जिगत हंडा को 2014 में कार्तिक सुब्बाराज ने बनाया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है साजिद नडियादवाला ने स्टोरी आइडिया भी उनका ही था स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार कृति सेनन जैकलिन फर्नाडिस अरसद वारसी और पंकज त्रिपाठी इनके अलावा प्रतीक बबर संजय मिश्रा अभिमन्यु सिंह स्नेहल दाबी सहारा कुमार शुक्ला अश्विन मुशरम संतोष शुक्ला साजिद नडियादवाला अहमद खान आरुष खान मोहन अगासे सीमा बसवाज तृष्णा सिंह सुरेंद्र राजन डोली ठाकुरे नसीर अब्दुल्ला गौरव चोपड़ा नतरम तिवारी सुनील पेंडुकर अरुण खेतरवाल और विपुन रॉय तो इस तरह से इतने सपोर्टिंग आर्टिस्ट और लीड कास्ट देखने को मिलेगी जिन्होंने फिल्म में कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ ए फिल्म्स ने अनिल ने फिल्म्स ने इस फिल्म को अच्छी खासी बड़ी रिलीज दिलवाई हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें सिनेमेटोग्राफी का देखने को मिलेगी गेवी मेक यू एरी की एडिटिंग की हुई चारों श्री रॉय ने जिन्होंने फिल्म को करीबन 146 मिनट यानी कि दो घंटे 26 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट दिया गया है जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पेकमेम ने किया हुआ है वहीं पे सॉन्ग्स में अमाल मलिक बी प्राग चान्नी विक्रम मोन्थरॉय और रॉय की कंपोजिशन देखने को मिलेगी फिल्म में टोटल पांच गाने कंपोज हुए जहाँ पे पांचों गानों के लिए अलग-अलग म्यूजिक डायरेक्टर आपको देखने को मिलने वाले जहाँ पे इसके राइट से वो भूषण कुमार टी सीरीज़ वालों ने खरीदे हुए बड़ी रकम देखी अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो बच्चन पांडे फिल्म को इनिशियली रिमेक बताया जा रहा था वीरम फिल्म का लेकिन मेकर्स ने कहा कि ये उनका ओरिजिनल आइडिया वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट के साथ आ रहे लेकिन बाद में जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता सभी चीजें क्लियर हुई सोर्सेज से पता चला कि बच्चन पांडे ऑफिशियली तमिल फिल्म जिक्र का रीमेक होने वाली है जहाँ पे इस फिल्म में जिगर ठंडा से तो वो सभी चीजें उठाई हुई थी वहीं पे गड्डल कोंडा गण ने जो दो में जिगर ठंडा का रीमेक बनी थी वहीं से भी कुछ चीज़ें को उठाया हुआ है माँ वाला एंगल और दूसरे कुछ इमोशनल एंगल है वो वहीं से उठाए हुए तो दो फिल्मों से उन्होंने थोड़े थोड़े चीज़ें को लेकर अच्छी अच्छी चीजों को लेकर इस फिल्म का रीमेक बनाया हुआ है वैसे जिगर ठंडा फिल्म भी दो की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक फिल्म थी जहाँ पे तमिल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर इस फिल्म ने धमाका मचाया हुआ था लेकिन वो फिल्म भी ऑफिशियली साउथ सॉरी अनऑफिशियली साउथ कोरियन फिल्म का इंस्पायर्ड वर्जन अडर डर्टी कार्निवल करके एक फिल्म आई हुई थी साउथ कोरिया में वो भी बड़ी हिट थी उस फिल्म का उन्होंने तमिल नेटिविटी के हिसाब से फिल्म बनाई हुई थी वहीं पे कनाडा में इस फिल्म का 2016 में रीमेक बना हुआ है सेम नाम के साथ जिगत ठंडा के ही नाम से गड्डल कोंडा गणेश नाम से 2019 में वरुण तेज के साथ इस फिल्म का रीमेक बनाया हुआ था और गड्डल कोंडा गणेश के राइट से वो गोलमाइंस वालों ने ख़रीदे हुए जिन्होंने इस फिल्म को गड्डल कोंडा गणेश के नाम से हिंदी वर्जन में यूट्यूब पर और टेलीविजन के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया हुआ है वहीं पर बच्चन पांडे फिल्म के रीमेक राइट साजिद नडियज वाला ने पहले ही खरीद लिए थे वो भी बड़ी रकम देखी जिसको बाद में जगह ठंडा और आ, गडलकोंडा गणेश के जो सीन है उसको मिक्स करके इस फिल्म को बनाया हुआ है बच्चन पांडे टाइटल किस तरह से पढ़ा था उसके ऊपर बातचीत करें तो अक्षय कुमार ने 2008 की एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म टसन बनाई हुई थी सैफ अली खान करीना कपूर के साथ में तो उस फिल्म में उन्होंने बच्चन पांडे वाला रोल प्ले किया हुआ था तो वो टाइटल उनको काफ़ी ज़्यादा वो नाम पसंद आ गया था उसके बाद में उन्होंने इस नाम के साथ ही पूरी फिल्म बना दी थी लेकिन बाद में बच्चन पांडे का जो टाइटल है उसमें उन्होंने स्पेलिंग में थोड़े चेंजेस किए हुए थे जहाँ पे पहले था बी ए सी एच सी एच ए एन पी ए एन डी ई वाई लेकिन बाद में जो स्पेलिंग चेंज करते हुए रखा हुआ था बी ए सी एच सी डबल एच ए ए एन पी डबल ए एन डी ई वाई तो इस तरह से बच्चन पांडे नाम रखते हुए फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो 6 जनवरी 2020 को जैसलमेर में स्टार्ट की हुई थी कोविड 19 के चलते सेटिंग को का शूटिंग को काफ़ी डिले करना पड़ा फिल्म की शूटिंग को रिस्टार्ट 6 जनवरी 2021 में किया गया था रेप ऑफ जुलाई 2021 में किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो पांच म्यूजिक डायरेक्टर है अलग अलग लिरिस्ट है तो उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भूषण कुमार टी सीरीज के पास है गानों की टोटल लेंथ है वो सत्रह मिनट पचपन सेकंड है इन सभी गानों को सत्रह मार्च दो हज़ार बाईस को ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पर ये पाँच गाने कौन से उसके ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना है मार खाएगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए फरादा भिवाड़ी वाला विक्रम मॉन्सरोय और अज़ीम दयानी ने म्यूजिक दिया हुआ है वि, विक्रम मॉन्सरो ने जहाँ पे सिंगर थे फरहद भीमाडी वाला और विक्रम मॉंतरो से इसके अलावा बैरीजान मेरी मेरीजान वाला जो गाना है उसके लिरिक्स हैं जानी ने लिखे हुए म्यूजिक है बीप्राक का सिंगर थे बीप्राक और लेंथ है गाने की चार मिनट आठ सेकंड तीसरा गाना है सारे बोलो बेवफा जिसके लिरिक्स जानी ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था जानी ने और सिंगर थे बी प्राक इसके अलावा चौथा गाना हीर रंजना जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था माल मलिक ने सिंगर थे अरिजीत सिंह श्रेया घोषाल पाँचवा गाना जो विशल थीम था वो इंस्ट्रूमेंटल था उसका म्यूजिक रोय ने कंपोज किया हुआ है तो इस तरह से टोटल पांच थीम के साथ गाने क्रिएट किए गए हैं जिसको भूषण कुमार की ऑफिशियल प्लेटफॉर्म टी सीरीज के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म में कौन सा आर्टिस्ट कौन सा रोल प्ले कर रहा था उसके ऊपर तो अक्षय कुमार वाला जो रोल है वो है गैंगस्टर बच्चन पांडे का वो लीड किरदार है फिल्म का टाइटल कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे अक्षय कुमार कृति सेनन ने मायरा देवरकर का रोल प्ले किया हुआ है जो बच्चन पांडे का लव इंटरेस्ट और एक डायरेक्टर के तौर पे दिखाई देती है जैकलिन फर्नाडिस ने सोफी का रोल प्ले किया हुआ है जो बच्चन पांडे की लेट गर्लफ्रेंड थी अरसद वारसी ने विश्वकांत महात्रे यानी कि विशु का रोल प्ले किया हुआ है जो मायरा का बेस्ट फ्रेंड है पंकज त्रिपाठी ने गुरुजी भावेश भोपलो का रोल प्ले किया हुआ है प्रतीक बब्बर ने वर्जिन का रोल प्ले किया हुआ है संजय मिश्रा ने वफरिया चाचा का रोल प्ले किया हुआ है अभिमन्यु सिंह ने पेंडलम का रोल प्ले किया हुआ है स्नेहल डाबी ने जम्बो का रोल प्ले किया हुआ है साहस कुमार शुक्ला को कांडी का रोल दिया गया था अश्विन मूश्रा ने प्रोड्यूसर राकेश वर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संतोष शुक्ला को एस सूर्यकांत मिश्रा का रोल दिया गया है साजिद नडियत वाला जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने इस फिल्म में फिल्म डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है अहमद खान फिल्म डायरेक्टर के तौर में दिखाई देंगे आरूषा खान ने पिंकी का रोल प्ले किया हुआ है मोहन

का रोल प्ले किया हुआ है अरुण खेडवाल ने कुल्लेरिया का रोल प्ले किया हुआ है विपुल रॉय ने एंकर का रोल प्ले किया हुआ है तो ये इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए अपने किरदार में वो सभी काफ़ी बढ़िया तरीके से जच रहे थे जहाँ पे स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट सभी की परफॉर्मेंस अच्छी नज़र आ रही थी अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार थी इसके अलावा फिल्म का स्टोरी स्क्रीन प्ले काफ़ी पूरी तरह से लिखा हुआ है कैरेक्टर डेवलपमेंट में उतना कुछ खास नजर नहीं आ रहा था राइटिंग डिपार्टमेंट में काम किया जा सकता था अननेसेसरी कॉमेडी सीन्स को हटाया जा सकता था वीक एक्शन सिक्वेंस फिल्म को डल करते हुए नज़र आते हैं इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्शन में जिस तरह से सभी चीज़ें स्क्रीन प्ले में डाली हुई वो उतनी कुछ खास नज़र नहीं आ रही थी रीमेक उतनी कुछ बढ़िया तरीके से किए हुए ऐसा महसूस नहीं हो रहा था इसके अलावा सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अक्षय कुमार के किरदार को शोकेस किया हुआ है जो फिल्म का जोनर है उसे अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटर ने इस फिल्म को एक डिसेंट एडिटिंग करके दी हुई है इस फिल्म को थोड़ा क्रिस्प और कर देते सवा दो घंटे के आसपास फिल्म को कर देते थे दो सवा दो घंटे के आसपास तो फिल्म थोड़ी बेटर हो सकती थी तो स्क्रीन प्ले थोड़ा टाइट हो जाता म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का काफ़ी बढ़िया है सॉन्ग में एक दो सॉन्ग अच्छे वहीं पर एक दो सॉन्ग ठीक ठाक है लेकिन सॉन्ग्स की प्लेसमेंट उतनी कुछ खास नहीं है इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई एक सौ अस्सी करोड़ के बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ है जिसकी वजह से फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी जिस तरह से लेविस सेट देखने को मिलता है जिस तरह से लोकेशन क्रिएट किए हुए वो सभी चीज़ें बढ़िया है फिल्म के डिज़ाइनर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है इसके अलावा डायरेक्टर का, का काम भी अच्छा देखने को मिलेगा कैमरा ने इस बजट का अच्छा खासा यूज़ किया हुआ है उन्होंने हर एक फ्रेम को एक अच्छा इनहेंस करने की कोशिश की हुई है इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं रिलीज के ऊपर तो बच्चन पांडे फिल्म को ओरिजिनली शेड्यूल किया गया था एक जनवरी 2020 को रिलीज़ करने का लेकिन बाद में चेंज करते हुए 22 जनवरी 2021 रखा हुआ था जहां पे आमिर खान की रिक्वेस्ट के साथ इस फिल्म को चेंज करते हुए 18 मार्च 2022 को फाइनली रिलीज़ किया हुआ था जहां पे फिल्म को रिलीज़ किया उसके एक हफ्ते पहले आई हुई थी द कश्मीर फाइल जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते धीरे धीरे बड़े बड़े शो हासिल कर रही थी जहाँ पर उस फिल्म ने राधेश्याम फिल्म को अच्छी खासी टक्कर दी राधे श्याम को पूरी तरह से ढेर कर दिया उसके बाद में बच्चन पांडे के शो भी जब नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला बच्चन पांडे का उसके बाद द कश्मीर फाइल फिल्म ने वो शो भी लेक करे थे लेकिन बच्चन पांडे के शो काफी कम हो गए थे जब फिल्म को रिलीज किया गया तब ए फिर तबानी ने अनिल थडानी ने काफी बड़ी रिलीज दिलवाई थी इस फिल्म को काफी ज्यादा बड़ी रिलीज थी लेकिन जिस तरह से बहुत मिक्स रिस्पॉन्स मिला फिल्म को ऑडियंस की तरफ से क्रिटिक्स की तरफ से ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते ये फिल्म को थिएटर में एक दो दिनों में काफ़ी कम स्क्रीन करवा दी गई पे पे सभी रेटिंग पे आपको असर देखने को मिलेगी बच्चन पांडे को भी पे के आपको देखने को मिले उसके ऊपर उससे पहले मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थोड़ी जानकारी दे देता हूँ एक सौ अस्सी करोड़ के बजट में फिल्म को बनाया गया था जहाँ पे पहले दिन तेरह करोड़ पच्चीस लाख का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था जो 2022 में फिल्म आई थी उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट ओपनिंग डे वाले फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी वहीं पे दूसरे दिन फिल्म ने 12 करोड़ का कलेक्शन किया ये थोड़ा डल आपको इसलिए एक दो करोड़ का जो कलेक्शन में डिफरेंस है वो इसलिए था क्योंकि धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउस ज़्यादा नेगेटिव हो रहा था और साथ ही में अक्षय कुमार का स्टार डम था जिसके चलते इतना कलेक्शन किया होता तीसरे दिन भी फिल्म ने 12 करोड़ का ही कलेक्शन किया और टोटल डोमेस्टिक वीकेंड फिल्म का सैंतीस करोड़ 25 लाख का रहा था 24 मार्च 2022 तक फिल्म ने करीबन 50 करोड़ के आसपास का इंडिया में कलेक्शन किया हुआ था नौ सवा नौ करोड़ के आसपास का ओवरसीज में कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कलेक्शन सत्तर करोड़ के आसपास का रहा था द काश्मीर फाइल का जो एक हेवी हैवी कॉम्पिटिशन इस फिल्म को मिला था उसके सामने ये फिल्म का कंटेंट उतना मजबूत नहीं था जिसके चलते फिल्म एक हफ्ते में से निकल गई थी जहां पे एक हफ्ते ये फिल्म चली और बॉक्स ऑफिस पे एक फेलर साबित हुई एक करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन पैंसठ से सत्तर करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे ओ टी टी सैटेलाइट के ऊपर भी इस फिल्म को वैसे ही मिक्स रिस्पांस मिला जहाँ पे ओ पे इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के करीबन एक महीने के बाद रिलीज किया गया था जहाँ पे 25-28 दिनों के बाद इस फिल्म को 15 अप्रैल 2022 को ओ पे अवेलेबल करवा दिया गया था जहाँ पे इसके ओ राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए वहीं पर सेटेलाइट राइट्स जी सिनेमा वालों ने खरीदे हुए तो फिलहाल में फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन बच्चन पांडे के नाम से देखने को मिलेगी वहीं पर सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा के

180 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है तो अक्षय कुमार के करियर की एक वन ऑफ हाईएस्ट बजट वाली फिल्मों में से एक फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है साजिद नडिया फराज शाम जी तुषार हिरनंदा नंदा खेतरपाल तासा भामरा और जयेश कादरी ने इस फिल्म की कहानी है वो जिगत हंडा नाम की एक तमिल फिल्म थी उससे इंस्पायर्ड है वहीं पे वो तमिल फिल्म भी एक कोरियन फिल्म से इंस्पायर्ड है जहाँ पे जिगत हंडा को 2014 में कार्तिक सुब्बाराज ने बनाया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है साजिद नडियादवाला ने स्टोरी भी उनका ही था स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार कृति जैकलिन और पंकज त्रिपाठी इनके अलावा प्रतीक बबर संजय मिश्रा अभिमन्यु सिंह स्नेहल दाबी सहारा कुमार शुक्ला अश्विन मुसरम, संतोष शुक्ला साजिद नडियादवाला अहमद खान आरूज खान मोहन अगासे सीमा बसवाज तृष्णा सिंह सुरेंद्र राजन डोली ठाकुरे नसीर अब्दुल्ला गौरव चोपड़ा नतरम तिवारी सुनील पेंडुकर, अरुण खेतरवाल और विपुन रॉय तो इस तरह से इतने सपोर्टिंग आर्टिस्ट और लीड कास्ट देखने को मिलेगी जिन्होंने फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है एफ फिल्म ने अनिल ने फिल्म ने इस फिल्म को अच्छी खासी बड़ी रिलीज दिलवाई हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें सिनेमेटोग्राफी कर देखने को मिलेगी गेवी मेक यू एरी की एडिटिंग की हुई चारू श्री रोई ने जिन्होंने फिल्म को करीबन एक मिनट यानी कि दो घंटे छब्बीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया गया है जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर जुलियस पेकमेम ने किया हुआ है वहीं पे सॉन्ग्स में अमाल मलिक बी प्राक चाहनी विक्रम मोन्थरॉय और रॉय की कंपोजिशन देखने को मिलेगी फिल्म में टोटल पाँच गाने कंपोज हुए जहाँ पे पाँचों गानों के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर आपको देखने को मिलने वाले हैं जहाँ पे इसके राइट्स है वो भूषण कुमार टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए बड़ी रकम देखे अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो बच्चन पांडे फिल्म को इनिशियली रीमेक बताया जा रहा था वीरम फिल्म का लेकिन मेकर्स ने कहा कि ये उनका औरिजिनल आइडिया वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट के साथ आ रहे लेकिन बाद में जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता सभी चीज़ें क्लियर हुई सोर्सेज से पता चला कि बच्चन पांडे ऑफिशियली तमिल फिल्म जिगर थंडा का रीमेक होने वाली है जहाँ पे इस फिल्म में जिगर थंडा से तो वो सभी चीज़ें उठाई हुई थी वहीं पे गड्डल कोंडा गणेश जो दो हज़ार उन्नीस में जिगर थंडा का रीमेक बनी थी वहीं से भी कुछ चीज़ें को उठाया हुआ है माँ वाला एंगल और दूसरे कुछ इमोशनल एंगल है वो वहीं से उठाए हुए तो दो फिल्मों से उन्होंने थोड़े थोड़े

साथ जिगर ठंडा के ही नाम से गड्डलोंडा गणेश नाम से 2019 में वरुण तेज के साथ इस फिल्म का रीमेक बनाया हुआ था और गड्डलोंडा गणेश के राइट से वो वालों ने खरीदे हुए जिन्होंने इस फिल्म को गड्डल कोंडा गणेश के नाम से हिंदी वर्जन में यूट्यूब पे और टेलीविजन के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया हुआ है वहीं पर बच्चन पांडे फिल्म के रीमेक राइट साजिद नडियज वाला ने पहले ही खरीद लिए थे वो भी बड़ी रकम देखी जिसको बाद में जिगत ठंडा और कोंडा गणेश के जो सीन से उसको मिक्स करके इस फिल्म को बनाया हुआ है बच्चन पांडे टाइटल किस तरह से पढ़ा था उसके ऊपर बातचीत करें तो अक्षय कुमार ने 2008 की एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म टसन बनाई हुई थी सैफ अली खान करीना कपूर के साथ में तो उस फिल्म में उन्होंने बच्चन पांडे वाला रोल प्ले किया हुआ था तो वो टाइटल उनको काफ़ी ज़्यादा वो नाम पसंद आ गया था उसके बाद में उन्होंने इस नाम के साथ ही पूरी फिल्म बना दी थी लेकिन बाद में बच्चन पांडे का जो टाइटल है उसमें उन्होंने स्पेलिंग में थोड़े चेंजेस किए हुए थे जहाँ पे पहले था बी ए सी एच सी एच ए एन पी ए एन डी ई वाई लेकिन बाद में जो स्पेलिंग चेंज करते हुए रखा हुआ था बी ए सी एच सी डबल एच ए एन पी डबल ए एन डी ई वाई तो इस तरह से बच्चन पांडे नाम रखते हुए फिल्म को रिलीज किया हुआ था प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो 6 जनवरी 2020 को जैसलमेर में स्टार्ट की हुई थी कोविड 19 के चलते सेटिंग को शूटिंग को काफी डिले करना पड़ा फिल्म की शूटिंग को रिस्टार्ट 6 जनवरी 2021 में किया गया था वेप ऑफ जुलाई 2021 में किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो पांच म्यूजिक डायरेक्टर है अलग अलग लिरिस्ट है तो उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भूषण कुमार टी सीरीज के पास है गानों की टोटल लेंथ है वो सत्रह मिनट पचपन सेकंड है इन सभी गानों को सत्रह मार्च दो हज़ार बाईस को ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पर ये पाँच गाने कौन से उसके ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना है मार खाएगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए फरादा भिवाड़ी वाला विक्रम मोन्सरो और अजीम दयानी ने म्यूजिक दिया हुआ है विक्रम मोन् ने जहाँ पे सिंगर थे फराद भी वाला और विक्रम मो से इसके अलावा मेरीजान मेरिजन वाला जो गाना है उसके लिरिक्स है, जानी ने लिखे हुए म्यूजिक है बी प्राक का सिंगर थे बी प्राक और लेंथ है गाने की चार मिनट आठ सेकंड तीसरा गाना है सारे बोलो बेवफा जिसके लिरिक्स जानी ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया था जानी ने और सिंगर थे बी प्राक इसके अलावा चौथा गाना हीर रंजना जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था माल मलिक ने सिंगर थे अरिजीत सिंह श्रेया घोषाल पांचवा गाना जो विशल थीम था वो इंस्ट्रूमेंटल था उसका म्यूजिक रोई ने कंपोज किया हुआ है तो इस तरह से टोटल पांच थीम के साथ गाने क्रिएट किए गए जिसको भूषण कुमार की ऑफिशियल प्लेटफॉर्म टी सीरीज़ के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते इस फिल्म में कौन सा आर्टिस्ट कौन सा रोल प्ले कर रहा था उसके ऊपर तो अक्षय कुमार वाला जो रोल है वो है गैंगस्टर बच्चन पांडे का वो लीड किरदार है फिल्म का टाइटल कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे अक्षय कुमार कृति सेना ने मायरा देवरकर का रोल प्ले किया हुआ है जो बच्चन पांडे का लव इंटरेस्ट और एक डायरेक्टर के तौर पे दिखाई देती है जैकलिन फर्नाडिस ने सोफी का रोल प्ले किया हुआ है जो बच्चन पांडे की लेट गर्लफ्रेंड थी अरसद वारसी ने विश्वकांत महात्रे यानी कि विशु का रोल प्ले किया हुआ है जो मायरा का बेस्ट फ्रेंड है पंकज त्रिपाठी ने गुरुजी जी भावेश भोपलो का रोल प्ले किया हुआ है प्रतीक बब्बर ने वर्जिन का रोल प्ले किया हुआ है संजय मिश्रा ने वफरिया चाचा का रोल प्ले किया हुआ है अभिमन्यु सिंह ने पेंडलम का रोल प्ले किया हुआ है स्नेहल डाबी ने जंबो का रोल प्ले किया हुआ है साहस कुमार शुक्ला को कांडी का रोल दिया गया था अश्विन मश्रा ने प्रोड्यूसर राकेश वर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संतोष शुक्ला को एस सूर्यकांत मिश्रा का रोल दिया गया है साजिद नडियत वाला जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने इस फिल्म में फिल्म डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है अहमद खान फिल्म डायरेक्टर के तौर में दिखाई देंगे आरुषा खान ने पिंकी का रोल प्ले किया हुआ है मोहन

का रोल प्ले किया हुआ है अरुण खेडवाल ने कुल्लेरिया का रोल प्ले किया हुआ है विपुल रॉय ने एंकर का रोल प्ले किया हुआ है तो ये इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए अपने किरदार में वो सभी काफ़ी बढ़िया तरीके से जच रहे थे जहाँ पे स्टार आर कास्ट सपोर्टिंग कास्ट सभी की परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही थी अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार थी इसके अलावा फिल्म का स्टोरी स्क्रीन प्ले काफ़ी पूरी तरह से लिखा हुआ है कैरेक्टर डेवलपमेंट में उतना कुछ खास नजर नहीं आ रहा था राइटिंग डिपार्टमेंट में काम किया जा सकता था अननेसेसरी कॉमेडी सीन्स को हटाया जा सकता था विक एक्शन सिक्वेंस फिल्म को डल करते हुए नज़र आते हैं इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्शन में जिस तरह से सभी चीज़ें स्क्रीन प्ले में डाली हुई वो उतनी कुछ खास नज़र नहीं आ रही थी रीमेक उतनी कुछ बढ़िया तरीके से किए हुए ऐसा महसूस नहीं हो रहा था इसके अलावा सिनेमेटोग्राफर ने काफी बढ़िया तरीके से अक्षय कुमार के किरदार को शोकेस किया हुआ है जो फिल्म का जोनर है उसे अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटर ने इस फिल्म को एक डिसेंट एडिटिंग करके दी हुई है इस फिल्म को थोड़ा क्रिस्प और कर देते सवा दो घंटे के आसपास फिल्म को कर देते दो सवा दो घंटे के आसपास तो फिल्म थोड़ी बेटर हो सकती थी तो स्क्रीन प्ले थोड़ा टाइट हो जाता म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का काफ़ी बढ़िया है सॉन्ग में एक दो सॉन्ग अच्छे हैं वहीं पर एक दो सॉन्ग ठीक ठाक है लेकिन सॉन्ग्स की प्लेसमेंट उतनी कुछ खास नहीं है इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई एक सौ अस्सी करोड़ के बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ है जिसकी वजह से फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी जिस तरह से लेविस सेट देखने को मिलता है जिस तरह से लोकेशन क्रिएट किए हुए वो सभी चीज़ें बढ़िया है फिल्म के डिज़ाइनर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है इसके अलावा आठ डायरेक्टर का काम भी अच्छा देखने को मिलेगा कैमरा मैन ने इस बजट का अच्छा खासा यूज़ किया हुआ है उन्होंने हर एक फ्रेम को एक अच्छा इनहेंस करने की कोशिश की हुई है इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं रिलीज़ के ऊपर तो बच्चन पांडे फिल्म को ओरिजिनली शेड्यूल किया गया था एक जनवरी 2020 को रिलीज़ करने का लेकिन बाद में चेंज करते हुए 22 जनवरी 2021 रखा हुआ था जहां पे आमिर खान की रिक्वेस्ट के साथ इस फिल्म को चेंज करते हुए 18 मार्च दो को फाइनली रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे फिल्म को रिलीज़ किया उसके एक हफ्ते पहले आई हुई थी द कश्मीर फाइल जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते धीरे धीरे बड़े बड़े शो हासिल कर रही थी जहाँ पे उस फिल्म ने राधे श्याम फिल्म को अच्छी खासी टक्कर दी राधे श्याम को पूरी तरह से ढेर कर दिया उसके बाद में बच्चन पांडे के शो भी जब नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला बच्चन पांडे का उसके बाद द कश्मीर फाइल फिल्म ने वो शो भी ली, ले लिए थे और वो शो भी वहाँ पर काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहे थे लेकिन बच्चन पांडे के शो काफ़ी कम हो गए थे जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब ए फिर थडानी ने अनिल थंडानी ने काफी बड़ी रिलीज दिलवाई थी इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा रिलीज थी लेकिन जिस तरह से बहुत मिक्स रिस्पांस मिला फिल्म को ऑडियंस की तरफ से क्रिटिक्स की तरफ से ज्यादा नेगेटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते ये फिल्म को थिएटर में एक दो दिनों में काफी कम स्क्रीन करवा दी गई जहाँ पे ये सभी रेटिंग पे आपको असर देखने को मिलेगी बच्चन पांडे को आई पे करीबन पैंतीस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें पाँच पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से अब हम बात करें ये फिल्म कौन से ओटीटी कौन से सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने को मिलेगी उसके ऊपर उससे पहले मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थोड़ी जानकारी दे देता हूँ एक करोड़ के बजट में फिल्म को बनाया गया था जहाँ पे पहले दिन तेरह करोड़ पच्चीस लाख का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था जो 2022 में फिल्में आई थी उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट ओपनिंग डे वाली फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी वहीं पे दूसरे दिन फिल्म ने 12 करोड़ का कलेक्शन किया ये थोड़ा डल आपको इसलिए एक दो करोड़ का जो कलेक्शन में डिफरेंस है वो इसलिए था क्योंकि धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउस ज़्यादा नेगेटिव हो रहा था और साथ ही में ये अक्षय कुमार का स्टार डम था जिसके चलते इतना कलेक्शन किया होता तीसरे दिन भी फिल्म ने बारह करोड़ का ही कलेक्शन किया और टोटल डोमेस्टिक वीकेंड फिल्म का सैंतीस करोड़ पच्चीस लाख का रहा था चौबीस मार्च दो तक फिल्म ने करीबन पचास करोड़ के आसपास का इंडिया में कलेक्शन किया हुआ था नौ सवा नौ करोड़ के आसपास का ओवरसीज में कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कलेक्शन सत्तर करोड़ के आसपास का रहा था द कश्मीर फाइल का जो एक हेवी कंपटीशन इस फिल्म को मिला था उसके सामने ये फिल्म का कंटेंट उतना मजबूत नहीं था जिसके चलते ये फिल्म एक हफ्ते में से निकल गई थी जहाँ पे एक हफ्ते ये फिल्म चली और बॉक्स ऑफिस पे एक फेलर साबित हुई एक सौ अस्सी करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन पैंसठ से सत्तर करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे ओ टी सैटेलाइट के ऊपर भी इस फिल्म को वैसे ही मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे ओ पे इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के करीबन एक महीने के बाद रिलीज किया गया था जहाँ पे 25-28 दिनों के बाद इस फिल्म को 15 अप्रैल 2022 को ओ पे अवेलेबल करवा दिया गया था जहाँ पे इसके ओ टी राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए वहीं पर सेटेलाइट राइट्स जी सिनेमा वालों ने खरीदे हुए तो फिलहाल में फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन बच्चन पांडे के नाम से देखने को मिलेगी वहीं पर सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा के

बच्चन पांडे जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है फरहाद सामजी ने

एक कोरियन फिल्म से इंस्पायर्ड है जहां पे जिगत हंडा को 2014 में कार्तिक सुब्बाराज ने बनाया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है साजिद नडियादवाला ने स्टोरी आइडिया भी उनका ही था स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार कृति सेनन जैकलिन फर्नाडिस अरसाद वारसी और पंकज त्रिपाठी इनके अलावा प्रतीक बबर संजय अभिमन्यु सिंह दाबी सहारा कुमार शुक्ला संतोष शुक्ला अहमद खान आरुस खान मोहन अगासे सीमा बसवाज तृष्णा सिंह सुरेंद्र राजन डोली ठाकुरे नसीर अब्दुल्ला गौरव चोपड़ा नतरम तिवारी सुनील पेंडुकर अरुण खेतरवाल और विपुन रॉय तो इस तरह से इतने सपोर्टिंग आर्टिस्ट और लीड कास्ट देखने को मिलेगी जिन्होंने फिल्म में कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ ए फिल्म्स ने अनिल ने फिल्म्स ने इस फिल्म को अच्छी खासी बड़ी रिलीज दिलवाई हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें सिनेमेटोग्राफी का देखने को मिलेगी गेवी मे यू एरी की एडिटिंग की हुई चारों श्री रॉय ने जिन्होंने फिल्म को करीबन 146 मिनट यानी कि दो घंटे 26 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट दिया गया है जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पेकमेम ने किया हुआ है वहीं पे सॉन्ग्स में अमाल मलिक बी प्राग चाहनी विक्रम मोन्थ और रॉय की कंपोजिशन देखने को मिलेगी फिल्म में टोटल पाँच गाने कंपोज हुए जहाँ पे गानों के लिए अलग-अलग म्यूजिक डायरेक्टर आपको देखने को मिलने वाले हैं जहाँ पे इसके राइट से वो भूषण कुमार टी सीरीज़ वालों ने खरीदे हुए बड़ी रकम देखे अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो बच्चन पांडे फिल्म को इनिशियली रिमेक बताया जा रहा था वीरम फिल्म का लेकिन मेकर्स ने कहा कि ये उनका ओरिजिनल आइडिया वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट के साथ आ रहे लेकिन बाद में जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता सभी चीजें क्लियर हुई सोर्सेस से पता चला कि बच्चन पांडे ऑफिशियली तमिल फिल्म जिक्र थंडा का रीमेक होने वाली है जहाँ पे इस फिल्म में जिगर ठंडा से तो वो सभी चीज़ें उठाई हुई थी वहीं पे गड्डल कोंडा गन्नी जो दो में जिगर ठंडा का रीमेक बनी थी वहीं से भी कुछ चीज़ें को उठाया हुआ है माँ वाला एंगल और दूसरे कुछ इमोशनल एंगल है वो वहीं से उठाए हुए तो दो फिल्मों से उन्होंने थोड़े थोड़े को कर, चीज़ों को लेकर अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर इस फिल्म का रीमेक बनाया हुआ है वैसे जिगर ठंडा फिल्म भी दो की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक फिल्म थी जहाँ पे तमिल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर इस फिल्म ने धमाका मचाया हुआ था लेकिन वो फिल्म भी ऑफिशियली साउथ

के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया हुआ है वहीं पे बच्चन पांडे फिल्म के रिमेक राइट साजिद नडियाजवाला ने पहले ही खरीद लिए थे वो भी बड़ी रकम दे के जिसको बाद में जिगर ठंडा और गडल कोंडा गणेश के जो सीन से उसको मिक्स करके इस फिल्म को बनाया हुआ है बच्चन पांडे टाइटल किस तरह से पढ़ा था उसके ऊपर बातचीत करें तो अक्षय कुमार ने 2008 की एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म टसन बनाई हुई थी सैफ अली खान करीना कपूर के साथ में तो उस फिल्म में उन्होंने बच्चन पांडे वाला रोल प्ले किया हुआ था तो वो टाइटल उनको काफ़ी ज़्यादा वो नाम पसंद आ गया था उसके बाद में उन्होंने इस नाम के साथ ही पूरी फिल्म बना दी थी लेकिन बाद में बच्चन पांडे का जो टाइटल है उसमें उन्होंने स्पेलिंग में थोड़े चेंजेस किए हुए थे जहाँ पे पहले था बी ए सी एच सी एच ए एन पी ए एन डी ई वाई लेकिन बाद में जो स्पेलिंग चेंज करते हुए रखा हुआ था बी ए सी एच सी डबल एच ए एन पी डबल ए एन डी ई वाई तो इस तरह से बच्चन पांडे नाम रखते हुए फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो 6 जनवरी 2020 को जैसलमेर में स्टार्ट की हुई थी कोविड 19 के चलते सेटिंग को का शूटिंग को काफी डिले करना पड़ा फिल्म की शूटिंग को रिस्टार्ट 6 जनवरी 2021 में किया गया था वेप ऑफ जुलाई दो में किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो पांच म्यूजिक डायरेक्टर है अलग अलग लिरिस्ट है तो उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भूषण कुमार टी सीरीज के पास है गानों की टोटल लेंथ है वो सत्रह मिनट पचपन सेकंड है इन सभी गानों को सत्रह मार्च दो को ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पर ये पाँच गाने कौन से उसके ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना है मार खाएगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए फरादा भिवाडी वाला विक्रम मोन्सरो और अजीम दयानी ने म्यूजिक दिया हुआ है विक्रम मो ने जहाँ पे सिंगर थे भीमाडी वाला और विक्रम मो से इसके अलावा मेरी जान, मेरी जान वाला जो गाना है उसके लिरिक्स है, जानी ने लिखे हुए म्यूजिक है बी प्राक का सिंगत है बी प्राक और लेंथ है गाने की चार मिनट आठ सेकंड तीसरा गाना है सारे बोलो बेवफा जिसके लिरिक्स जानी ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया था जानी ने और सिंगत है बी प्राक इसके अलावा चौथा गाना हीर रंजना जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था माल मलिक ने सिंगर थे अरिजीत सिंह श्रेया घोषाल पांचवा गाना जो विशल थीम था वो इंस्ट्रूमेंटल था उसका म्यूज़िक रोय ने कंपोज किया हुआ है तो इस तरह से टोटल पांच थीम के साथ गाने क्रिएट किए गए जिसको भूषण कुमार की ऑफिशियल प्लेटफॉर्म टी सीरीज़ के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते इस फिल्म में कौन सा आर्टिस्ट कौन सा रोल प्ले कर रहा था उसके ऊपर तो अक्षय कुमार वाला जो रोल है वो है गैंगस्टर बच्चन पांडे का वो लीड किरदार है फिल्म का टाइटल कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे अक्षय कुमार कृति सेना ने मायरा देवरकर का रोल प्ले किया हुआ है जो बच्चन पांडे का लव इंटरेस्ट और एक डायरेक्टर के तौर पे दिखाई देती है जैकलिन फर्नाडिस ने सोफी का रोल प्ले किया हुआ है जो बच्चन पांडे की लेट गर्लफ्रेंड थी अरसद वारसी ने विश्वकांत महात्रे यानी कि विशु का रोल प्ले किया हुआ है जो मायरा का बेस्ट फ्रेंड है पंकज त्रिपाठी ने गुरुजी भावेश भोपलो का रोल प्ले किया हुआ है प्रतीक पप्पर ने वर्जिन का रोल प्ले किया हुआ है संजय मिश्रा ने वफरिया चाचा का रोल प्ले किया हुआ अभिमन्यु सिंह ने पेंडलम का रोल प्ले किया हुआ है स्नेहल डाबी ने जम्बो का रोल प्ले किया हुआ है साहस कुमार शुक्ला को कांडी का रोल दिया गया था अश्विन मूसरा ने प्रोड्यूसर राकेश वर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संतोष शुक्ला को एसपी सूर्यकांत मिश्रा का रोल दिया गया है साजिद नडियत वाला जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने इस फिल्म में फिल्म डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है अहमद खान फिल्म डायरेक्टर के तौर में दिखाई देंगे आरुषा खान ने पिंकी का रोल प्ले किया हुआ है मोहन आगा से मिनिस्टर लालजी भगत का रोल प्ले किया हुआ है सीमा बिश्वास ने मिस पांडे यानी कि बच्चन पांडे की माँ का रोल प्ले किया हुआ है तृष्णा सिंह ने स्मिता यानी कि वजिन की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है सुरेंद्र राजन ने मिस्टर देवेरकर यानी कि म्यारा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है डोली ठाकुर ने इस फिल्म में क्राइम रिपोर्टर का रोल प्ले किया हुआ है नाजिर अब्दुल्ला ने म्यार के डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है गौरव चोपड़ा ने भीमा का रोल प्ले किया हुआ है नेत्रम तिवारी ने बुलेट का रोल प्ले किया हुआ है सुनील पेंडुलकर ने इस फिल्म में कादरी का रोल प्ले किया हुआ है अरुण खेडवाल ने कुल्लेरिया का रोल प्ले किया हुआ है विपुल रॉय ने एंकर का रोल प्ले किया हुआ है तो ये इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए अपने किरदार में वो सभी काफ़ी बढ़िया तरीके से जच रहे थे जहाँ पे स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट सभी की परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही थी अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार थी इसके अलावा फिल्म का स्टोरी स्क्रीन प्ले काफ़ी पूरी तरह से लिखा हुआ है कैरेक्टर डेवलपमेंट में उसमें कुछ खास नजर नहीं आ रहा था राइटिंग डिपार्टमेंट में काम किया जा सकता था अननेसेसरी कॉमेडी सीन्स को हटाया जा सकता था वीक एक्शन सिक्वेंस फिल्म को डल करते हुए नज़र आते हैं इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्शन में जिस तरह से सभी चीज़ें स्क्रीन प्ले में डाली हुई वो उतनी कुछ खास नज़र नहीं आ रही थी रीमेक उतनी कुछ बढ़िया तरीके से किए हुए ऐसा महसूस नहीं हो रहा था इसके अलावा सिनेमेटोग्राफर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अक्षय कुमार के किरदार को शोकेस किया हुआ है जो फिल्म का जोनर है उसे अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटर ने इस फिल्म को एक डिसेंट एडिटिंग करके दी हुई है इस फिल्म को थोड़ा क्रिस्प और कर देते सवा दो घंटे के आसपास फिल्म को कर देते दो सवा दो घंटे के आसपास तो फिल्म थोड़ी बेटर हो सकती थी तो स्क्रीन प्ले थोड़ा टाइट हो जाता म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का काफ़ी बढ़िया है सॉन्ग में एक दो सॉन्ग अच्छे हैं वहीं पर एक दो सॉन्ग ठीक ठाक है लेकिन सॉन्ग्स की प्लेसमेंट उतनी कुछ खास नहीं है इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई एक सौ अस्सी करोड़ के बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ है जिसकी वजह से फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी जिस तरह से लेविस सेट देखने को मिलता है जिस तरह से लोकेशन क्रिएट किए हुए वो सभी चीज़ें बढ़िया है फिल्म के डिज़ाइनर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है इसके अलावा डायरेक्टर का काम भी अच्छा देखने को मिलेगा कैमरा ने इस बजट का अच्छा खासा यूज़ किया हुआ है उन्होंने हर एक फ्रेम को एक अच्छा इनहेंस करने की कोशिश की हुई है इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं रिलीज के ऊपर तो बच्चन पांडे फिल्म को ओरिजिनली शेड्यूल किया गया था एक जनवरी 2020 को रिलीज करने का लेकिन बाद में चेंज करते हुए 22 जनवरी 2021 रखा हुआ था जहां पे आमिर खान की रिक्वेस्ट के साथ इस फिल्म को चेंज करते हुए 18 मार्च 2022 को फाइनली रिलीज़ किया हुआ था जहां पे फिल्म को रिलीज़ किया उसके एक हफ्ते पहले आई हुई थी द कश्मीर फाइल जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते धीरे धीरे बड़े बड़े शो हासिल कर रही थी जहाँ पे उस फिल्म ने राधेश्याम फिल्म को अच्छी खासी टक्कर दी राधेश्याम को पूरी तरह से ढेर कर दिया उसके बाद में बच्चन पांडे के शो भी जब नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला बच्चन पांडे का उसके बाद द कश्मीर फाइल फिल्म ने वो शो भी ले लिए थे और वो शो भी वहां पे काफी बढ़िया हाँ वर्क कर रहे थे लेकिन बच्चन पांडे के शो काफी कम हो गए थे जब फिल्म को रिलीज किया गया तब ए फिर तबानी ने अनिल थडानी ने काफी बड़ी रिलीज दिलवाई थी इस फिल्म को काफी ज्यादा बड़ी रिलीज थी लेकिन जिस तरह से बहुत मिक्स रिस्पॉन्स मिला फिल्म को ऑडियंस की तरफ से क्रिटिक्स की तरफ से ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते ये फिल्म को थिएटर में एक दो दिनों में काफी कम स्क्रीन करवा दी गई जहां ये सभी रेटिंग पे आपको असर देखने को मिलेगी बच्चन पांडे को मिलेगी से से मिले उसके ऊपर उससे पहले मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थोड़ी जानकारी दे देता हूँ 180 करोड़ के बजट में फिल्म को बनाया गया था जहाँ पे पहले दिन 13 करोड़ 25 लाख का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था जो 2022 में फिल्म आई थी उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट ओपनिंग डे वाले फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी वहीं पे दूसरे दिन फिल्म ने 12 करोड़ का कलेक्शन किया ये थोड़ा डल आपको इसलिए एक दो करोड़ का जो कलेक्शन में डिफरेंस है वो इसलिए था क्योंकि धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउस ज्यादा नेगेटिव हो रहा था और साथ ही में अक्षय कुमार का स्टार डम था जिसके चलते इतना कलेक्शन किया होता तीसरे दिन भी फिल्म ने बारह करोड़ का कलेक्शन किया और टोटल डोमेस्टिक वीकेंड फिल्म का सैंतीस करोड़ पच्चीस लाख का रहा था चौबीस मार्च दो तक फिल्म ने करीबन पचास करोड़ के आसपास का इंडिया में कलेक्शन किया हुआ था नौ सवा नौ करोड़ के आसपास का ओवरसीज में कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कलेक्शन सत्तर करोड़ के आसपास का रहा था द कश्मीर फाइल का जो एक हेवी कंपटीशन इस फिल्म को मिला था उसके सामने ये फिल्म का कंटेंट उतना मजबूत नहीं था जिसके चलते ये फिल्म एक हफ्ते में से निकल गई थी जहां पे एक हफ्ते ये फिल्म चली और बॉक्स ऑफिस पे एक फेलर साबित हुई एक सौ अस्सी करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन पैंसठ से सत्तर करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे ओ टी टी सैटेलाइट के ऊपर भी इस फिल्म को वैसे ही मिक्स रिस्पांस मिला जहाँ पे ओ पे इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के करीबन एक महीने के बाद रिलीज किया गया था जहाँ पे 25-28 दिनों के बाद इस फिल्म को 15 अप्रैल 2022 को ओ पे अवेलेबल करवा दिया गया था जहाँ पे इसके ओ राइट्स टी राइट अमेजॉन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए वहीं पर सेटेलाइट राइट्स जी सिनेमा वालों ने खरीदे हुए तो फिलहाल मैं फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन बच्चन पांडे के नाम से देखने को मिलेगी वहीं पे सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा के

बच्चन पांडे जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है फ़रहाद सामजी ने

एक कोरियन फिल्म से इंस्पायर्ड है, जहां पे जिगर ठंडा को 2014 में कार्तिक सुबाराज ने बनाया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है साजिद नडियादवाला ने स्टोरी आइडिया भी उनका ही था स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार कृति सेनन जैकलिन फर्नांडिस अरसाद वारसी और पंकज त्रिपाठी इनके अलावा प्रतीक बब्बर संजय मिश्रा अभिमन्यु सिंह स्नेहल दाबी सहारा कुमार शुक्ला अश्विन मोश्रम संतोष शुक्ला साजिद नडियादवाला अहमद खान आरूस खान मोहन अगासे सीमा बसवाज तृष्णा सिंह सुरेंद्र राजन डोली ठाकुरे नसीर अब्दुल्ला गौरव चोपड़ा नतरम तिवारी सुनील पेंडुकर अरुण खेतरवाल और विपुन रॉय तो इस तरह से इतने सपोर्टिंग आर्टिस्ट और लीड कास्ट देखने को मिलेगी जिन्होंने फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है एफ फिल्म ने अनिल थड़ान ने इस फिल्म को अच्छी खासी बड़ी रिलीज दिलवाई हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें सिनेमेटोग्राफी का देखने को मिलेगी गेवी मेक यू मे की एडिटिंग की हुई चारों श्री रोई ने जिन्होंने फिल्म को करीबन एक मिनट यानी कि दो घंटे छब्बीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया गया है जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पेकमेम ने किया हुआ है वहीं पे सॉन्ग्स में अमाल मलिक प्रक जानी विक्रम मथ्रोय और रॉय की कंपोजिशन देखने को मिलेगी फिल्म में टोटल 5 गाने कंपोज हुए जहां पे पांचों गानों के लिए अलग-अलग म्यूजिक डायरेक्टर आपको देखने को मिलने वाले हैं जहां पे इसके राइट से वो पुशन कुमार टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए बड़ी रकम देकर अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो बच्चन पांडे फिल्म को इनिशियली रिमेक बताया जा रहा था विरम फिल्म का लेकिन मेकर्स ने कहा कि ये उनका ओरिजिनल आइडिया वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट के साथ आ रहे लेकिन बाद में जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता सभी चीजें क्लियर हुई सोर्सेज से पता चला कि बच्चन पांडे ऑफिशियली तमिल फिल्म जिक्र का रीमेक होने वाली है जहाँ पे इस फिल्म में जिगर थंडा से तो वो सभी चीज़ें उठाई हुई थी वहीं पे गड्डल कोंडा गणेश जो 2019 में जिगर थंडा का रिमेक बनी थी वहीं से भी कुछ चीज़ों को उठाया हुआ है माँ वाला एंगल और दूसरे कुछ इमोशनल एंगल है वो वहीं से उठाए हुए तो दो फिल्मों से उन्होंने थोड़े थोड़े को कर, चीज़ों को लेकर अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर इस फिल्म का रीमेक बनाया हुआ है वैसे जिगर ठंडा फिल्म भी दो की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक फिल्म थी जहाँ पर तमिल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर इस फिल्म ने धमाका मचाया हुआ था लेकिन वो फिल्म भी ऑफिशियली साउथ

ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया हुआ है वहीं पे बच्चन पांडे फिल्म के रिमेक राइट साजिद नड़ियाला ने पहले ही खरीद लिए थे वो भी बड़ी रकम देके जिसको बाद में जिगर थंडा और गडलकोंडा गणेश के जो सीन है उसको मिक्स करके इस फिल्म को बनाया हुआ है बच्चन पांडे टाइटल किस तरह से पढ़ा था उसके ऊपर बातचीत करें तो अक्षय कुमार ने 2008 की एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म टसन बनाई हुई थी सैफ अली खान करीना कपूर के साथ में तो उस फिल्म में उन्होंने बच्चन पांडे वाला रोल प्ले किया हुआ था तो वो टाइटल उनको काफी ज्यादा वो नाम पसंद आ गया था उसके बाद में उन्होंने इस नाम के साथ ही पूरी फिल्म बना दी थी लेकिन बाद में बच्चन पांडे का जो टाइटल है उसमें उन्होंने स्पेलिंग में थोड़े चेंजेस किए हुए थे जहाँ पे पहले था बी ए सी एच सी एच ए एन पी ए एन डी ई वाई लेकिन बाद में जो स्पेलिंग चेंज करते हुए रखा हुआ था बी ए सी एच सी डबल एच ए एन पी डबल ए एन डी ई वाई तो इस तरह से बच्चन पांडे नाम रखते हुए फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो 6 जनवरी 2020 को जैसलमेर में स्टार्ट की हुई थी कोविड 19 के चलते शीटिंग को का शूटिंग को काफ़ी डिले करना पड़ा फिल्म की शूटिंग को रिस्टार्ट 6 जनवरी 2021 में किया गया था वेप ऑफ जुलाई 2021 में किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो पांच म्यूजिक डायरेक्टर है अलग अलग लिरिस्ट है तो उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भूषण कुमार टी सीरीज के पास है गानों की टोटल लेंथ है वो सत्रह मिनट पचपन सेकंड है इन सभी गानों को सत्रह मार्च दो हज़ार बाईस को ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पर ये पाँच गाने कौन से उसके ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना है मार खाएगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए फरादा भिवाड़ी वाला विक्रम मोन्सरो और अजीम दयानी ने म्यूजिक दिया हुआ है विक्रम मोन् ने जहाँ पे सिंगर थे फराद भी वाला और विक्रम से इसके अलावा बेरीजान मेरिजन वाला जो गाना है उसके लिरिक्स है, जानी ने लिखे हुए म्यूजिक है बी प्राक का सिंगर थे बी प्राक और लेंथ है गाने की चार मिनट आठ सेकंड तीसरा गाना है सारे बोलो बेवफा जिसके लिरिक्स जानी ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया था जानी ने और सिंगर थे बी प्राक इसके अलावा चौथा गाना हीर रंजना जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था माल मलिक ने सिंगर थे अरिजीत सिंह श्रेया घोषाल पांचवा गाना जो विशल थीम था वो इंस्ट्रूमेंटल था उसका म्यूजिक रोई ने कंपोज किया हुआ है तो इस तरह से टोटल पांच थीम के साथ गाने क्रिएट किए गए जिसको भूषण कुमार की ऑफिशियल प्लेटफॉर्म टी सीरीज़ के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते इस फिल्म में कौन सा आर्टिस्ट कौन सा रोल प्ले कर रहा था उसके ऊपर तो अक्षय कुमार वाला जो रोल है वो है गैंगस्टर बच्चन पांडे का वो लीड किरदार है फिल्म का टाइटल कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे अक्षय कुमार कृति सेना ने मायरा देवरकर का रोल प्ले किया हुआ है जो बच्चन पांडे का लव इंटरेस्ट और एक डायरेक्टर के तौर पे दिखाई देती है जैकलिन फर्नाडिस ने सोफी का रोल प्ले किया हुआ है जो बच्चन पांडे की लेट गर्लफ्रेंड थी अरसद वारसी ने विश्वकांत महात्रे यानी कि विशु का रोल प्ले किया हुआ है जो मायरा का बेस्ट फ्रेंड है पंकज त्रिपाठी जी ने गुरुजी भावेश भोपलो का रोल प्ले किया हुआ है प्रतीक पप्पर ने वर्जिन का रोल प्ले किया हुआ है संजय मिश्रा ने वो फरिया चाचा का, का रोल प्ले किया हुआ है अभिमन्यु सिंह ने पेंडलम का रोल प्ले किया हुआ है स्नेहल डाबी ने जंबो का रोल प्ले किया हुआ है कुमार शुक्ला को कांडी का रोल दिया गया था अश्विन ने प्रोड्यूसर राकेश वर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संतोष शुक्ला को सूर्यकांत मिश्रा का रोल दिया गया है साजिद नडियत वाला जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने इस फिल्म में फिल्म डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है अहमद खान फिल्म डायरेक्टर के तौर में दिखाई देंगे आरूषा खान ने पिंकी का रोल प्ले किया हुआ है मोहन आगासे ने मिनिस्टर लालजी भगत का रोल प्ले किया हुआ है सीमा बिस्वा

हुआ है विपुल रॉय ने एंकर का रोल प्ले किया हुआ है तो ये इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने फिल्म में कुछ किरदार प्ले किए हुए अपने किरदार में वो सभी काफी बढ़िया तरीके से जच रहे थे जहां आर परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही थी अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस काफी शानदार थी इसके अलावा फिल्म का स्टोरी स्क्रीन प्ले काफी पूरी तरह से लिखा हुआ है कैरेक्टर डेवलपमेंट में उतना कुछ खास नजर नहीं आ रहा था राइटिंग डिपार्टमेंट में काम किया जा सकता था अननेसेसरी कॉमेडी सीन्स को हटाया जा सकता था वीक एक्शन सिक्वेंस फिल्म को डल करते हुए नज़र आते हैं इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्शन में जिस तरह से सभी चीज़ें स्क्रीन प्ले में डाली हुई वो उतनी कुछ खास नज़र नहीं आ रही थी रीमेक उतनी कुछ बढ़िया तरीके से किए हुए ऐसा महसूस नहीं हो रहा था इसके अलावा सिनेमाटोग्राफर ने काफी बढ़िया तरीके से अक्षय कुमार के किरदार को शोकेस किया हुआ है जो फिल्म का जोनर है उसे अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटर ने इस फिल्म को एक डिसेंट एडिटिंग करके दी हुई है इस फिल्म को थोड़ा क्रिस्प और कर देते सवा दो घंटे के आसपास फिल्म को कर देते दो सवा दो घंटे के आसपास तो फिल्म थोड़ी बेटर हो सकती थी तो स्क्रीन प्ले थोड़ा टाइट हो जाता म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का काफ़ी बढ़िया है सॉन्ग में एक दो सॉन्ग अच्छे है वहीं पर एक दो सॉन्ग ठीक ठाक है लेकिन सॉन्ग्स की प्लेसमेंट उतनी कुछ खास नहीं है इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई एक सौ अस्सी करोड़ के बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ है जिसकी वजह से फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी जिस तरह से लेविस सेट देखने को मिलता है जिस तरह से लोकेशन क्रिएट किए हुए वो सभी चीज़ें बढ़िया है फिल्म के डिज़ाइनर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है इसके अलावा आर्ट डायरेक्टर का, का काम भी अच्छा देखने को मिलेगा कैमरा मैन ने इस बजट का अच्छा खासा यूज़ किया हुआ है उन्होंने हर एक फ्रेम को एक अच्छा इनहेंस करने की कोशिश की हुई है इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं रिलीज के ऊपर तो बच्चन पांडे फिल्म को ओरिजिनली शेड्यूल किया गया था एक जनवरी 2020 को रिलीज करने का लेकिन बाद में चेंज करते हुए 22 जनवरी 2021 रखा हुआ था जहां पे आमिर खान की रिक्वेस्ट के साथ इस फिल्म को चेंज करते हुए अट्ठारह मार्च दो को फाइनली रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे फिल्म को रिलीज़ किया उसके एक हफ्ते पहले आई हुई थी द कश्मीर फाइल जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते धीरे धीरे बड़े बड़े शो हासिल कर रही थी जहाँ पे उस फिल्म ने राधेश्याम फिल्म को अच्छी खासी टक्कर दी राधे श्याम को पूरी तरह से ढेर कर दिया उसके बाद में बच्चन पांडे के शो भी जब नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला बच्चन पांडे का उसके बाद द कश्मीर फाइल फिल्म ने वो शो भी ले लिए थे और वो शो भी वहाँ पर काफी बढ़िया हाँ वर्क करे थे लेकिन बच्चन पांडे के शो काफ़ी कम हो गए थे जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब ए फिर एंड ने अनिल थडानी ने काफ़ी बड़ी रिलीज दिलवाई थी इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा बड़ी रिलीज थी लेकिन जिस तरह से बहुत मिक्स रिस्पॉन्स मिला फिल्म को ऑडियंस की तरफ से क्रिटिक्स की तरफ से ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते ये फिल्म को थिएटर में एक दो दिनों में काफ़ी कम स्क्रीन करवा दी गई जहाँ पे सभी रेटिंग पे आपको असर देखने को मिलेगी बच्चन पांडे को हुई है के आपको देखने को मिले उसके उससे पहले मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थोड़ी जानकारी दे देता हूँ 180 करोड़ के बजट में फिल्म को बनाया गया था जहाँ पे पहले दिन 13 करोड़ 25 लाख का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था जो 2022 में फिल्में आई थी उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट ओपनिंग डे वाली फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी वहीं पे दूसरे दिन फिल्म ने 12 करोड़ का कलेक्शन किया ये थोड़ा डल आपको इसलिए एक दो करोड़ का जो कलेक्शन में डिफरेंस है वो इसलिए था क्योंकि धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउस ज़्यादा नेगेटिव हो रहा था और साथ ही में ये अक्षय कुमार का स्टारडम था जिसके चलते इतना कलेक्शन किया होता तीसरे दिन भी फिल्म ने बारह करोड़ का एक कलेक्शन किया और टोटल डोमेस्टिक वीकेंड फिल्म का सैंतीस करोड़ पच्चीस लाख का रहा था चौबीस मार्च दो तक फिल्म ने करीबन पचास करोड़ के आसपास का इंडिया में कलेक्शन किया हुआ था नौ सवा नौ करोड़ के आसपास का ओवरसीज में कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कलेक्शन सत्तर करोड़ के आसपास का रहा था द कश्मीर फाइल का जो एक हेवी कंपटीशन इस फिल्म को मिला था उसके सामने ये फिल्म का कंटेंट उतना मजबूत नहीं था जिसके चलते ये फिल्म एक हफ्ते में से निकल गई थी जहाँ पे एक हफ्ते ये फिल्म चली और बॉक्स ऑफिस पे एक फेलर साबित हुई एक करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन पैंसठ से सत्तर करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे ओ टी सैटेलाइट के ऊपर भी इस फिल्म को वैसे ही मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे ओ पे इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन एक महीने के बाद रिलीज किया गया था जहाँ पे 25-28 दिनों के बाद इस फिल्म को 15 अप्रैल 2022 को ओ पे अवेलेबल करवा दिया गया था जहाँ पे इसके ओ टी राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए वहीं पर सेटेलाइट राइट्स जी सिनेमा वालों ने खरीदे हुए तो फिलहाल में फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन बच्चन पांडे के नाम से देखने को मिलेगी वहीं पर सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा के

बच्चन पांडे जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है फरहाद सामजी ने

एक कोरियन फिल्म से इंस्पायर्ड है जहां पे जिगत हंडा को 2014 में कार्तिक सुब्बाराज ने बनाया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है साजिद नडियादवाला ने स्टोरी आइडिया भी उनका ही था स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार कृति सेनन जैकलिन फर्नाडिस अरसाद वारसी और, और पंकज त्रिपाठी इनके अलावा प्रतीक बबर स्नेहल दाबी सहारा कुमार सुकला, अश्विन संतोष शुक्ला अहमद खान आरुस खान मोहन अगासे सीमा बसवाज तृष्णा सिंह सुरेंद्र राजन डोली ठाकुरे नसीर अब्दुल्ला गौरव चोपड़ा नतरम तिवारी सुनील पेंडुकर अरुण खेतरवाल और विपुन रॉय तो इस तरह से इतने सपोर्टिंग आर्टिस्ट और लीड कास्ट देखने को मिलेगी जिन्होंने फिल्म में कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ ए फिल्म्स ने अनिल ने फिल्म्स ने इस फिल्म को अच्छी खासी बड़ी रिलीज दिलवाई हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें सिनेमेटोग्राफी का देखने को मिलेगी गेवी मिक यू एरी की एडिटिंग की हुई चारों श्री रॉय ने जिन्होंने फिल्म को करीबन 146 मिनट यानी कि दो घंटे 26 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट दिया गया है जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर जुलियस पेकमैम ने किया हुआ है वहीं पे सॉन्ग्स में अमाल मलिक बी प्राग चान्नी विक्रम मोन्थरॉय और रॉय की कंपोजिशन देखने को मिलेगी फिल्म में टोटल पांच गाने कंपोज हुए जहाँ पे पांचों गानों के लिए अलग-अलग म्यूजिक डायरेक्टर आपको देखने को मिलने वाले हैं जहाँ पे इसके राइट वो भूषण कुमार टी सीरीज़ वालों ने खरीदे हुए बड़ी रकम देखे अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो बच्चन पांडे फिल्म को इनिशियली रिमेक बताया जा रहा था वीरम फिल्म का लेकिन मेकर्स ने कहा कि ये उनका ओरिजिनल आइडिया वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट के साथ आ रहे लेकिन बाद में जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता सभी चीज़ें क्लियर हुई सोर्सेज से पता चला कि बच्चन पांडे ऑफिशियली तमिल फिल्म जिकर थंडा का रीमेक होने वाली है जहाँ पे इस फिल्म में जिगर जिगरथंडा से तो वो सभी चीज़ें उठाई हुई थी वहीं पे गड्डल कोंडा गणी जो दो हज़ार उन्नीस में जिगर थंडा का रीमेक बनी थी वहीं से भी कुछ चीज़ें को उठाया हुआ है माँ वाला एंगल और दूसरे कुछ इमोशनल एंगल है वो वहीं से उठाए हुए तो दो फिल्मों से उन्होंने थोड़े थोड़े को कर, चीज़ों को लेकर अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर इस फिल्म का रीमेक बनाया हुआ है वैसे जिगर ठंडा फिल्म भी 2014 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक फिल्म थी जहाँ पे तमिल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर इस फिल्म ने धमाका मचाया हुआ था लेकिन वो फिल्म भी ऑफिशियली साउथ सॉरी अनऑफिशियली साउथ कोरियन फिल्म का इंस्पिरा इंस्पायर्ड वर्जन है अर्डर कार्निवल करके एक फिल्म आई हुई थी साउथ कोरिया में वो भी बड़ी हिट थी उस फिल्म का उन्होंने तमिल नेटिविटी के हिसाब से फिल्म बनाई हुई थी वहीं पे कनाडा में इस फिल्म का 2016 में रीमेक बना हुआ है सेम नाम के साथ जिगत ठंडा के ही नाम से गड्डल कोंडा गणेश नाम से 2019 में वरुण तेज के साथ इस फिल्म का रीमेक बनाया हुआ था और गड्डल कोंडा गणेश के राइट से वो गोलमस वालों ने खरीदे हुए जिन्होंने इस फिल्म को गड्डल कोंडा गणेश के नाम से हिंदी वर्जन में यूट्यूब पे और टेलीविजन के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया हुआ है वहीं पर बच्चन पांडे फिल्म के रीमेक राइट साजिद नडियज वाला ने पहले ही खरीद लिए थे वो भी बड़ी रकम देखी जिसको बाद में जगह ठंडा और uh, गडलकोंडा गणेश के जो सीन से उसको मिक्स करके इस फिल्म को बनाया हुआ है बच्चन पांडे टाइटल किस तरह से पढ़ा था उसके ऊपर बातचीत करें तो अक्षय कुमार ने 2008 की एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म टसन बनाई हुई थी सैफ अली खान करीना कपूर के साथ में तो उस फिल्म में उन्होंने बच्चन पांडे वाला रोल प्ले किया हुआ था तो वो टाइटल उनको काफ़ी ज्यादा वो नाम पसंद आ गया था उसके बाद में उन्होंने इस नाम के साथ ही पूरी फिल्म बना दी थी लेकिन बाद में बच्चन पांडे का जो टाइटल है उसमें उन्होंने स्पेलिंग में थोड़े चेंजेस किए हुए थे जहाँ पे पहले था बी ए सी एच सी एच ए एन पी ए एन डी ई वाई लेकिन बाद में जो स्पेलिंग चेंज करते हुए रखा हुआ था बी ए सी एच सी डबल एच ए ए एन पी डबल ए एन डी ई वाई तो इस तरह से बच्चन पांडे नाम रखते हुए फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो 6 जनवरी 2020 को जैसलमेर में स्टार्ट की हुई थी कोविड 19 के चलते सेटिंग को का शूटिंग को काफ़ी डिले करना पड़ा फिल्म की शूटिंग को रिस्टार्ट 6 जनवरी 2021 में किया गया था वेप ऑफ जुलाई 2021 में किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो पांच म्यूजिक डायरेक्टर है अलग अलग लिरिस्ट है तो उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भूषण कुमार टी सीरीज के पास है गानों की टोटल लेंथ है वो सत्रह मिनट पचपन सेकंड है इन सभी गानों को सत्रह मार्च दो हजार बाईस को ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पर ये पाँच गाने कौन से उसके ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना है मार खाएगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए फरादा भिवाड़ी वाला विक्रम मॉन्सरोय और अज़ीम दयानी ने म्यूजिक दिया हुआ है विक्रम मॉन्सरो ने जहाँ पे सिंगर थे फराद भीमाड़ी वाला और विक्रम मॉंतरो से इसके अलावा बैरीजान मेरीजान वाला जो गाना है उसके लिरिक्स हैं जानी ने लिखे हुए म्यूजिक है बी प्राक का सिंगर थे बी प्राक और लेंथ है गाने की चार मिनट आठ सेकंड तीसरा गाना है सारे बोलो बेवफा जिसके लिरिक्स जानी ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था जानी ने और सिंगर थे बी प्राक इसके अलावा चौथा गाना हीर रंजना जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था माल मलिक ने सिंगर थे अरिजीत सिंह श्रेया घोषाल पाँचवा गाना जो विशल थीम था वो इंस्ट्रूमेंटल था उसका म्यूजिक रोय ने कंपोज़ किया हुआ है तो इस तरह से टोटल पांच थीम के साथ गाने क्रिएट किए गए जिसको भूषण कुमार की ऑफिशियल प्लेटफॉर्म टी सीरीज़ के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते इस फिल्म में कौन सा आर्टिस्ट कौन सा रोल प्ले कर रहा था उसके ऊपर तो अक्षय कुमार वाला जो रोल है वो है गैंगस्टर बच्चन पांडे का वो लीड किरदार है फिल्म का टाइटल कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे अक्षय कुमार कृति सेना ने मायरा देवरकर का रोल प्ले किया हुआ है जो बच्चन पांडे का लव इंटरेस्ट और एक डायरेक्टर के तौर पे दिखाई देती है जेकलिन फर्नाडिस ने सोफी का रोल प्ले किया हुआ है जो बच्चन पांडे की लेट गर्लफ्रेंड थी अरसद वारसी ने विश्वकांत महात्रे यानी कि विशु का रोल प्ले किया हुआ है जो मायरा का बेस्ट फ्रेंड है पंकज त्रिपाठी ने गुरुजी भावेश भोपलो का रोल प्ले किया हुआ है प्रतीक बब्बर ने वर्जिन का रोल प्ले किया हुआ है संजय मिश्रा ने बफरिया चाचा का रोल प्ले किया हुआ है अभिमन्यु सिंह ने पेंडेलम का रोल प्ले किया हुआ है स्नेहल डाबी ने जम्बो का रोल प्ले किया हुआ है साहस कुमार शुक्ला को कांडी का रोल दिया गया था अश्विन मूसरा ने प्रोड्यूसर राकेश वर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संतोष शुक्ला को एस सूर्यकांत मिश्रा का रोल दिया गया है साजिद नडियत वाला जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने इस फिल्म में फिल्म डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है अहमद खान फिल्म डायरेक्टर के तौर में दिखाई देंगे आरुषा खान ने पिंकी का रोल प्ले किया हुआ है

का रोल प्ले किया हुआ है अरुण खेडवाल ने कुल्लेरिया का रोल प्ले किया हुआ है विपुल रॉय ने एंकर का रोल प्ले किया हुआ है तो ये इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए अपने किरदार में वो सभी काफी बढ़िया तरीके से जच रहे थे जहाँ पे स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट सभी की परफॉर्मेंस अच्छी नज़र आ रही थी अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार थी इसके अलावा फिल्म का स्टोरी स्क्रीन प्ले काफ़ी पूरी तरह से लिखा हुआ है कैरेक्टर डेवलपमेंट में उतना कुछ खास नजर नहीं आ रहा था राइटिंग डिपार्टमेंट में काम किया जा सकता था अननेसेसरी कॉमेडी सीन्स को हटाया जा सकता था वीक एक्शन सिक्वेंस फिल्म को करते हुए नज़र आते हैं इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्शन में जिस तरह से सभी चीज़ें स्क्रीन प्ले में डाली हुई वो कुछ नजर उतनी कुछ खास नज़र नहीं आ रही थी रीमेक उतनी कुछ बढ़िया तरीके से किए हुए ऐसा महसूस नहीं हो रहा था इसके अलावा सिनेमेटोग्राफर ने काफी बढ़िया तरीके से अक्षय कुमार के किरदार को शोकेस किया हुआ है जो फिल्म का जोनर है उसे अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटर ने इस फिल्म को एक डिसेंट एडिटिंग करके दी हुई है इस फिल्म को थोड़ा क्रिस्प और कर देते सवा दो घंटे के आसपास फिल्म को कर देते दो सवा दो घंटे के आसपास तो फिल्म थोड़ी बेटर हो सकती थी तो स्क्रीन प्ले थोड़ा टाइट हो जाता म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का काफ़ी बढ़िया है सॉन्ग में एक दो सॉन्ग अच्छे है वहीं पर एक दो सॉन्ग ठीक ठाक है लेकिन सॉन्ग्स की प्लेसमेंट उतनी कुछ खास नहीं है इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई एक सौ अस्सी करोड़ के बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ है जिसकी वजह से फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी जिस तरह से लेविस सेट देखने को मिलता है जिस तरह से लोकेशन क्रिएट किए हुए है वो सभी चीज़ें बढ़िया है फिल्म के डिज़ाइनर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है इसके अलावा डायरेक्टर का काम भी अच्छा देखने को मिलेगा कैमरा ने इस बजट का अच्छा खासा यूज़ किया हुआ है उन्होंने हर एक फ्रेम को एक अच्छा इनहेंस करने की कोशिश की हुई है इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं रिलीज़ के ऊपर तो बच्चन पांडे फिल्म को ओरिजिनली शेड्यूल किया गया था एक जनवरी 2020 को रिलीज करने का लेकिन बाद में चेंज करते हुए 22 जनवरी 2021 रखा हुआ था जहां पे आमिर खान की रिक्वेस्ट के साथ इस फिल्म को चेंज करते हुए 18 मार्च 2022 को फाइनली रिलीज़ किया हुआ था जहां पे फिल्म को रिलीज़ किया उसके एक हफ्ते पहले आई हुई थी द कश्मीर फाइल जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते धीरे धीरे बड़े बड़े शो हासिल कर रही थी जहाँ पे उस फिल्म ने राधे श्याम फिल्म को अच्छी खासी टक्कर दी राधे श्याम को पूरी तरह से ढेर कर दिया उसके बाद में बच्चन पांडे के शो भी जब नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला बच्चन पांडे का उसके बाद द काश्मीर फाइल फिल्म ने वो शो भी ले लिए थे और वो शो भी वहां पे काफी बढ़िया हाँ वर्क करे थे लेकिन बच्चन पांडे के शो काफी कम हो गए थे जब फिल्म को रिलीज किया गया तब ए फिर तबानी ने अनिल थडानी ने काफी बड़ी रिलीज दिलवाई थी इस फिल्म को काफी ज्यादा बड़ी रिलीज थी लेकिन जिस तरह से बहुत मिक्स रिस्पॉन्स मिला फिल्म को ऑडियंस की तरफ से क्रिटिक्स की तरफ से ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते ये फिल्म को थिएटर में एक दो दिनों में काफी कम स्क्रीन

2022 में फिल्म आई थी उसमें वन ऑफ दी हाईएस्ट ओपनिंग डे वाली फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी वहीं पे दूसरे दिन फिल्म ने 12 करोड़ का कलेक्शन किया ये थोड़ा डल आपको इसलिए एक दो करोड़ का जो कलेक्शन में डिफरेंस है वो इसलिए था क्योंकि धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउस ज़्यादा नेगेटिव हो रहा था और साथ ही में ये अक्षय कुमार का स्टार डम था जिसके चलते इतना कलेक्शन किया होता तीसरे दिन भी फिल्म ने 12 करोड़ का एक कलेक्शन किया और टोटल डोमेस्टिक वीकेंड फिल्म का सैंतीस करोड़ 25 लाख का रहा था 24 मार्च 2022 तक फिल्म ने करीबन 50 करोड़ के आसपास का इंडिया में कलेक्शन किया हुआ था नौ सवा नौ करोड़ के आसपास का ओवरसीज में कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कलेक्शन सत्तर करोड़ के आसपास का रहा था द काश्मीर फाइल का जो एक ही हैवी कॉम्पिटिशन इस फिल्म को मिला था उसके सामने ये फिल्म का कंटेंट उतना मजबूत नहीं था जिसके चलते ये फिल्म एक हफ्ते में से निकल गई थी जहाँ पे एक हफ्ते ये फिल्म चली और बॉक्स ऑफिस पे एक फेलर साबित हुई एक करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन पैंसठ से सत्तर करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे ओ टी टी सैटेलाइट के ऊपर भी इस फिल्म को वैसे ही मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे ओ पे इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के करीबन एक महीने के बाद रिलीज किया गया था जहाँ पे 25-28 दिनों के बाद इस फिल्म को 15 अप्रैल 2022 को ओ पे अवेलेबल करवा दिया गया था जहाँ पे इसके ओ राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए वहीं पर सेटेलाइट राइट्स जी सिनेमा वालों ने खरीदे हुए तो फिलहाल में फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन बच्चन पांडे के नाम से देखने को मिलेगी वहीं पर सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा के ऊपर आपको ये फिल्म बिल्कुल फ्री में बच्चन पांडे के नाम से देखने को मिलेगी तो एक बार फिर के, के, तो के, के, के पास है तो ये फिल्म आपको सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा के ऊपर बिल्कुल फ्री में बच्चन पांडे के नाम से देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप ये फिल्म बच्चन पांडे फिल्म सेटेलाइट और ओटीटी के ऊपर इंजॉय कर पाओगे बच्चन पांडे जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है ने, सन के नीचे करीबन 180 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है तो अक्षय कुमार के करियर की एक वन ऑफ दी हाईएस्ट बजट वाली फिल्मों में से एक फिल्म है जहां पे इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ साजिद नडिया फरहादी तुषार हिर नंदा खेतरपाल शा भामरा और जयस कादरी ने इस फिल्म की कहानी है वो जिगत हंडा नाम की एक तमिल फिल्म थी उससे इंस्पायर्ड है वहीं पे वो तमिल फिल्म भी एक कोरियन फिल्म से इंस्पायर्ड है जहाँ पे जिगत हंडा को 2014 में कार्तिक सुब्बाराज ने बनाया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है साजिद नडियादवाला ने स्टोरी आइडिया भी उनका ही था स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार कृति सेनन जैकलिन फर्नाडिस अरसद वारसी और पंकज त्रिपाठी इनके अलावा प्रतीक बबर संजय मिश्रा अभिमन्यु सिंह स्नेहल दाबी सहारा कुमार शुक्ला अश्विन मोश्रम संतोष शुक्ला साजिद नडियादवाला अहमद खान आरूज खान मोहन अगासे सीमा बसवाज तृष्णा सिंह सुरेंद्र राजन डोली ठाकुरे नसीर अब्दुल्ला गौरव चोपड़ा नतरम तिवारी सुनील पेंडुकर अरुण खेतरवाल

दो घंटे छब्बीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट दिया गया है जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पेक पैकमेम ने किया हुआ है वहीं पे सॉन्ग्स में अमाल मलिक बी प्राग चाहनी विक्रम मोन्थरॉय और रॉय की कंपोजिशन देखने को मिलेगी फिल्म में टोटल पाँच गाने कंपोज हुए जहाँ पे पांचों गानों के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर आपको देखने को मिलने वाले हैं जहाँ पे इसके राइट से वो भूषण कुमार टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए बड़ी रकम देखे अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो बच्चन पांडे फिल्म को इनिशियली रीमेक बताया जा रहा था वीरम फिल्म का लेकिन मेकर्स ने कहा कि ये उनका ओरिजिनल आइडिया है वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट के साथ आ रहे लेकिन बाद में जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता सभी चीज़ें क्लियर हुई सोर्सेज से पता चला कि बच्चन पांडे ऑफिशियली तमिल फिल्म जिगर थंडा का रीमेक होने वाली है जहाँ पे इस फिल्म में जिगर थंडा से तो सभी चीज़ें उठाई हुई थी वहीं पे गड्डल कोंडा गणेश जो 2019 में जिगर में का रीमेक बनी थी वहीं से भी कुछ चीज़ें को उठाया हुआ है माँ वाला एंगल और दूसरे कुछ इमोशनल एंगल है वो वहीं से उठाए हुए तो दो फिल्मों से उन्होंने थोड़े थोड़े चीजों को लेकर अच्छी अच्छी चीजों को लेकर इस फिल्म का रीमेक बनाया हुआ है वैसे जिगर ठंडा फिल्म भी 2014 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक फिल्म थी जहां पे तमिल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर इस फिल्म ने धमाका मचाया हुआ था लेकिन वो फिल्म भी ऑफिशियली साउथ कोर सॉरी अनऑफिशियली साउथ कोरियन फिल्म का इंस्पायर्ड वर्जन है अ डर्टी कार्निवल करके एक फिल्म आई हुई थी साउथ कोरिया में वो भी बड़ी हिट थी उस फिल्म का उन्होंने तमिल नेटिविटी के हिसाब से फिल्म बनाई हुई थी वहीं पे कनाडा में इस फिल्म का 2016 में रीमेक बना हुआ है सेम नाम के साथ के ही नाम से, और वालों ने खरीदे हुए जिन्होंने इस फिल्म को गड्डलोंडा गणेश के नाम से हिंदी वर्जन में यूट्यूब पे और टेलीविजन के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया हुआ है वहीं पर बच्चन पांडे फिल्म के रिमेक राइट साजिद वालों ने पहले ही खरीद लिए थे वो भी बड़ी रकम देखी जिसको बाद में जिगर थंडा और कोंडा गणेश के जो सीन से उसको मिक्स करके इस फिल्म को बनाया हुआ है बच्चन पांडे टाइटल किस तरह से पढ़ा था उसके ऊपर बातचीत करें तो अक्षय कुमार ने 2008 की एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म टसन बनाई हुई थी सैफ अली खान करीना कपूर के साथ में तो उस फिल्म में उन्होंने बच्चन पांडे वाला रोल प्ले किया हुआ था तो वो टाइटल उनको काफ़ी ज़्यादा वो नाम पसंद आ गया था उसके बाद में उन्होंने इस नाम के साथ ही पूरी फिल्म बना दी थी लेकिन बाद में बच्चन पांडे का जो टाइटल है उसमें उन्होंने स्पेलिंग में थोड़े चेंजेस किए हुए थे जहाँ पे पहले था बी ए सी एच सी एच ए एन पी ए एन डी ई वाई लेकिन बाद में जो स्पेलिंग चेंज करते हुए रखा हुआ था बी ए सी एच सी डबल एच ए N एन पी डबल ए एन डी ई वाई तो इस तरह से बच्चन पांडे नाम रखते हुए फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो 6 जनवरी 2020 को जैसलमेर में स्टार्ट की हुई थी कोविड 19 के चलते सेटिंग को शूटिंग को काफी डिले करना पड़ा फिल्म की शूटिंग को रिस्टार्ट 6 जनवरी 2021 में किया गया था वेप अप जुलाई 2021 में किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो पांच म्यूजिक डायरेक्टर है अलग अलग लिरिस्ट है तो उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भूषण कुमार टी सीरीज के पास है गानों की टोटल लेंथ है वो सत्रह मिनट पचपन सेकंड है इन सभी गानों को सत्रह मार्च दो हज़ार बाईस को ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पर ये पाँच गाने कौन से उसके ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना है मार खाएगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए फरादा भिवाड़ी वाला विक्रम मोन्सरो और अजीम दयानी ने म्यूजिक दिया हुआ है विक्रम मोन्सरो ने जहाँ पे सिंगर थे फराद वाला और विक्रम मो से इसके अलावा मेरीजान मेरिजन वाला जो गाना है उसके लिरिक्स है, जानी ने लिखे हुए म्यूजिक है बी प्राक का सिंगर थे बी प्राक और लेंथ है गाने की चार मिनट आठ सेकंड तीसरा गाना है सारे बोलो बेवफा जिसके लिरिक्स जानी ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया था जानी ने और सिंगर थे बी प्राक इसके अलावा चौथा गाना हीर रंजना जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था माल मलिक ने सिंगर थे अरिजीत सिंह श्रेया घोषाल पांचवा गाना जो विशल थीम था वो इंस्ट्रूमेंटल था उसका म्यूजिक रोई ने कंपोज किया हुआ है तो इस तरह से टोटल पाँच थीम के साथ गाने क्रिएट किए गए जिसको भूषण कुमार की ऑफिशियल प्लेटफॉर्म टी सीरीज़ के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते इस फिल्म में कौन सा आर्टिस्ट कौन सा रोल प्ले कर रहा था उसके ऊपर तो अक्षय कुमार वाला जो रोल है वो है गैंगस्टर बच्चन पांडे का वो लीड किरदार है फिल्म का टाइटल कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे अक्षय कुमार कृति सेना ने मायरा देवरकर का रोल प्ले किया हुआ है जो बच्चन पांडे का लव इंटरेस्ट और एक डायरेक्टर के तौर पे दिखाई देती है जैकलिन फर्नाडिस ने सोफी का रोल प्ले किया हुआ है जो बच्चन पांडे की लेट गर्लफ्रेंड थी अरसद वारसी ने विश्वकांत महात्रे यानी कि विशु का रोल प्ले किया हुआ है जो मायरा का बेस्ट फ्रेंड है पंकज त्रिपाठी ने गुरुजी भावेश भोपलो का रोल प्ले किया हुआ है प्रतीक पप्पर ने वर्जिन का रोल प्ले किया हुआ है संजय मिश्रा ने वफरिया चाचा का रोल प्ले किया हुआ है अभिमन्यु सिंह ने पेंडलम का रोल प्ले किया हुआ है स्नेहल डाबी ने जम्बो का रोल प्ले किया हुआ है साहस कुमार शुक्ला को कांडी का रोल दिया गया था अश्विन मूसरा ने प्रोड्यूसर राकेश वर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संतोष शुक्ला को एस पी सूर्यकांत मिश्रा का रोल दिया गया है साजिद नडियत वाला जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने इस फिल्म में फिल्म डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है अहमद खान फिल्म डायरेक्टर के तौर में दिखाई देंगे आरुषा खान ने पिंकी का रोल प्ले किया हुआ है मोहन आगासे ने मिनिस्टर लालजी भगत का रोल प्ले किया हुआ है सीमा बिश्वास ने मिस पांडे यानी कि बच्चन पांडे की माँ का रोल प्ले किया हुआ है तृष्णा सिंह ने स्मिता यानी कि वर्जिन की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है सुरेंद्र राजन ने मिस्टर देवेर की म्यारा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है डोली ठाकुर ने इस फिल्म में क्राइम रिपोर्टर का रोल प्ले किया हुआ है नाजर अब्दुल्ला ने म्यार के डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है गौरव चोपड़ा ने भीमा का रोल प्ले किया हुआ है नेत्रम तिवारी ने बुलेट का रोल प्ले किया हुआ है सुनील तेंडुलकर ने इस फिल्म में कादरी का रोल प्ले किया हुआ है अरुण खेडवाल ने कुल्लेरिया का रोल प्ले किया हुआ है विपुल रॉय ने एंकर का रोल प्ले किया हुआ है तो ये इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए अपने किरदार में वो सभी काफी बढ़िया तरीके से जच रहे थे जहाँ पे स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट सभी की परफॉर्मेंस अच्छी नज़र आ रही थी अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार थी इसके अलावा फिल्म का स्टोरी स्क्रीन प्ले काफी पूरी तरह से लिखा हुआ है कैरेक्टर डेवलपमेंट में उतना कुछ खास नज़र नहीं आ रहा था राइटिंग डिपार्टमेंट में काम किया जा सकता था अननेसेसरी कॉमेडी सीन्स को हटाया जा सकता था वीक एक्शन सिक्वेंस फिल्म को डल करते हुए नज़र आते हैं इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्शन में जिस तरह से सभी चीज़ें स्क्रीन प्ले में डाली हुई वो इतनी कुछ खास नज़र नहीं आ रही थी रीमेक उतनी कुछ बढ़िया तरीके से किए हुए ऐसा महसूस नहीं हो रहा था इसके अलावा सिनेमेटोग्राफर ने काफी बढ़िया तरीके से अक्षय कुमार के किरदार को शोकेश किया हुआ है जो फिल्म का जोनर है उसे अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटर ने इस फिल्म को एक डिसेंट एडिटिंग करके दी हुई है इस फिल्म को थोड़ा क्रिस्प और कर देते सवा दो घंटे के आसपास फिल्म को कर देते दो सवा दो घंटे के आसपास तो फिल्म थोड़ी बेटर हो सकती थी तो स्क्रीन प्ले थोड़ा टाइट हो जाता म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का काफ़ी बढ़िया है सॉन्ग में एक दो सॉन्ग अच्छे वहीं पर एक दो सॉन्ग ठीक ठाक है लेकिन सॉन्ग्स की प्लेसमेंट उतनी कुछ खास नहीं है इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई एक सौ अस्सी करोड़ के बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ है जिसकी वजह से फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी जिस तरह से लेविस सेट देखने को मिलता है जिस तरह से लोकेशन क्रिएट किए हुए वो सभी चीज़ें बढ़िया है फिल्म के डिज़ाइनर ने काफी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को डिजाइन किया हुआ है इसके अलावा डायरेक्टर का, का काम भी अच्छा देखने को मिलेगा कैमरा ने इस बजट का अच्छा खासा यूज़ किया हुआ है उन्होंने हर एक फ्रेम को एक अच्छा इनहेंस करने की कोशिश की हुई है इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं रिलीज के ऊपर तो बच्चन पांडे फिल्म को ओरिजिनली शेड्यूल किया गया था एक जनवरी 2020 को रिलीज़ करने का लेकिन बाद में चेंज करते हुए 22 जनवरी 2021 रखा हुआ था जहां पे आमिर खान की रिक्वेस्ट के साथ इस फिल्म को चेंज करते हुए अट्ठारह मार्च दो को फाइनली रिलीज़ किया हुआ था जहां पे फिल्म को रिलीज़ किया उसके एक हफ्ते पहले आई हुई थी द कश्मीर फाइल जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते धीरे धीरे बड़े बड़े शो हासिल कर रही थी जहाँ पे उस फिल्म ने राधेश्याम फिल्म को अच्छी खासी टक्कर दी राधे श्याम को पूरी तरह से ढेर कर दिया उसके बाद में बच्चन पांडे के शो भी जब नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला बच्चन पांडे का उसके बाद द काश्मीर फाइल फिल्म ने वो शो भी ले लिए थे और वो शो भी वहाँ पे काफी बढ़िया वर्क करे थे लेकिन बच्चन पांडे के शो काफ़ी कम हो गए थे जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब ए थानी ने अनिल थडानी ने काफ़ी बड़ी रिलीज दिलवाई थी इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा बड़ी रिलीज थी लेकिन जिस तरह से बहुत मिक्स रिस्पॉन्स मिला फिल्म को ऑडियंस की तरफ से क्रिटिक्स की तरफ से ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते ये फिल्म को थिएटर में एक दो दिनों में काफ़ी कम स्क्रीन करवा दी गई जहाँ पे ये सभी रेटिंग पे आपको असर देखने को मिलेगी बच्चन पांडेसाइट मिले से प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने को मिलेगी उसके ऊपर उससे पहले मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थोड़ी जानकारी दे देता हूँ 180 करोड़ के बजट में फिल्म को बनाया गया था जहाँ पे पहले दिन 13 करोड़ 25 लाख का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था जो 2022 में फिल्में आई थी उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट ओपनिंग डे वाली फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी वहीं पे दूसरे दिन फिल्म ने 12 करोड़ का कलेक्शन किया ये थोड़ा डल आपको इसलिए एक दो करोड़ का जो कलेक्शन में डिफरेंस है वो इसलिए था क्योंकि धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउस ज़्यादा नेगेटिव हो रहा था और साथ ही में अक्षय कुमार का स्टारडम था जिसके चलते इतना कलेक्शन किया होता तीसरे दिन भी फिल्म ने 12 करोड़ का ही कलेक्शन किया और टोटल डोमेस्टिक वीकेंड फिल्म का सैंतीस करोड़ 25 लाख का रहा था 24 मार्च 2022 तक फिल्म ने करीबन 50 करोड़ के आसपास का इंडिया में कलेक्शन किया हुआ था नौ सवा नौ करोड़ के आसपास का ओवरसीज में कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कलेक्शन सत्तर करोड़ के आसपास का रहा था द काश्मीर फाइल का जो एक ही हैवी कॉम्पिटिशन इस फिल्म को मिला था उसके सामने ये फिल्म का कंटेंट उतना मजबूत नहीं था जिसके चलते ये फिल्म एक हफ्ते में से निकल गई थी जहाँ पे एक हफ्ते ये फिल्म चली और बॉक्स ऑफिस पे एक फेलर साबित हुई एक सौ करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन पैंसठ से सत्तर करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे ओ टी सैटेलाइट के ऊपर भी इस फिल्म को वैसे ही मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे ओ पे इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के करीबन एक महीने के बाद रिलीज़ किया गया था जहाँ पे 25-28 दिनों के बाद इस फिल्म को 15 अप्रैल 2022 को ओ पे अवेलेबल करवा दिया गया था जहाँ पे इसके ओ राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए वहीं पर सेटेलाइट राइट्स जी सिनेमा वालों ने खरीदे हुए तो फिलहाल में फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन बच्चन पांडे के नाम से देखने को मिलेगी वहीं पर सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा के

बच्चन पांडे जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है फरहाद सामजी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है साजिद नडियादवाला ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी एंटरटेनमेंट के नीचे करीबन 180 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है तो अक्षय कुमार के करियर की एक वन ऑफ दी हाईएस्ट बजट वाली फिल्मों में से एक फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ साजिद नडियादवाला फराज शाम तुषार हिर खेतरपाल ताशा भामरा और जयेश कादरी ने इस फिल्म की कहानी है वो जिगत हंडा नाम की एक तमिल फिल्म थी उससे इंस्पायर्ड है वहीं पे वो तमिल फिल्म भी एक कोरियन फिल्म से इंस्पायर्ड है जहाँ पे जिगत हंडा को 2014 में कार्तिक सुबाराज ने बनाया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है साजिद नडियादवाला ने स्टोरी आइडिया भी उनका ही था स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार कृति सेनन जैकलिन फर्नाडिस अरसाद वारसी और पंकज त्रिपाठी इनके अलावा प्रतीक बबर संजय मिश्रा अभिमन्यु सिंह दाबी सहारा कुमार शुक्ला अश्विन मोश्रम संतोष शुक्ला साजिद नडियादवाला अहमद खान आरुस खान मोहन अगासे सीमा बसवाज तृष्णा सिंह सुरेंद्र राजन डोली ठाकुरे नसीर अब्दुल्ला गौरव चोपड़ा नतरम तिवारी सुनील पेंडूकर अरुण खेतरवाल और विपुन रॉय तो इस तरह से इतने सपोर्टिंग आर्टिस्ट और लीड कास्ट देखने को मिलेगी जिन्होंने फिल्म में कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ ए फिल्म्स ने अनिल ने फिल्म्स ने इस फिल्म को अच्छी खासी बड़ी रिलीज दिलवाई हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें सिनेमेटोग्राफी का देखने को मिलेगी गेवी मिक यू एरी की एडिटिंग की हुई चारों श्री रॉय ने जिन्होंने फिल्म को करीबन 146 मिनट यानी कि दो घंटे 26 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया गया है जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पेकमेम ने किया हुआ है वहीं पे सॉन्ग्स में अमाल मलिक बी प्राग चान्नी विक्रम मोन्थरॉय और रॉय की कंपोजिशन देखने को मिलेगी फिल्म में टोटल पांच गाने कंपोज हुए जहाँ पे पांचों गानों के लिए अलग-अलग म्यूजिक डायरेक्टर आपको देखने को मिलने वाले हैं पे इसके है वो भूषण कुमार टी सीरीज़ वालों ने खरीदे हुए बड़ी रकम देखे अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो बच्चन पांडे फिल्म को इनिशियली रीमेक बताया जा रहा था वीरम फिल्म का लेकिन मेकर्स ने कहा कि ये उनका ओरिजिनल आइडिया वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट के साथ आ रहे लेकिन बाद में जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता सभी चीजें क्लियर हुई सोर्सेस से पता चला कि बच्चन पांडे ऑफिशियली तमिल फिल्म जिक्र का रीमेक होने वाली है जहाँ पे इस फिल्म में जिगर ठंडा से तो वो सभी चीज़ें उठाई हुई थी वहीं पे गड्डल कोंडा गणेश जो दो में जिगर ठंडा का रीमेक बनी थी वहीं से भी कुछ चीज़ें को उठाया हुआ है माँ वाला एंगल और दूसरे कुछ इमोशनल एंगल है वो वहीं से उठाए हुए तो दो फिल्मों से उन्होंने थोड़े थोड़े को कर, चीज़ों को लेकर अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर इस फिल्म का रीमेक बनाया हुआ है वैसे जिगर ठंडा फिल्म भी दो की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक फिल्म थी जहाँ पे तमिल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर इस फिल्म ने धमाका मचाया हुआ था लेकिन वो फिल्म भी ऑफिशियली साउथ

के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया हुआ है वहीं पे बच्चन पांडे फिल्म के रिमेक राइट साजिद नडियाजवाला ने पहले ही खरीद लिए थे वो भी बड़ी रकम दे जिसको बाद में जिगर ठंडा और गडल कोंडा गणेश के जो सीन से उसको मिक्स करके इस फिल्म को बनाया हुआ है बच्चन पांडे टाइटल किस तरह से पढ़ा था उसके ऊपर बातचीत करें तो अक्षय कुमार ने 2008 की एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म टसन बनाई हुई थी सैफ अली खान करीना कपूर के साथ में तो उस फिल्म में उन्होंने बच्चन पांडे वाला रोल प्ले किया हुआ था तो वो टाइटल उनको काफ़ी ज़्यादा वो नाम पसंद आ गया था उसके बाद में उन्होंने इस नाम के साथ ही पूरी फिल्म बना दी थी लेकिन बाद में बच्चन पांडे का जो टाइटल है उसमें उन्होंने स्पेलिंग में थोड़े चेंजेस किए हुए थे जहाँ पे पहले था बी ए सी एच सी एच ए एन पी ए एन डी ई वाई लेकिन बाद में जो स्पेलिंग चेंज करते हुए रखा हुआ था बी ए सी एच सी डबल एच ए P एन पी डबल ए एन डी ई वाई तो इस तरह से बच्चन पांडे नाम रखते हुए फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो 6 जनवरी 2020 को जैसलमेर में स्टार्ट की हुई थी कोविड 19 के चलते सेटिंग को का शूटिंग को काफ़ी डिले करना पड़ा फिल्म की शूटिंग को रिस्टार्ट 6 जनवरी 2021 में किया गया था वेप ऑफ जुलाई 2021 में किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो पांच म्यूजिक डायरेक्टर है अलग अलग लिरिस्ट है तो उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भूषण कुमार टी सीरीज के पास है गानों की टोटल लेंथ है वो सत्रह मिनट पचपन सेकंड है इन सभी गानों को सत्रह मार्च दो को ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पर ये पाँच गाने कौन से उसके ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना है मार खाएगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए फरादा भिवाड़ी वाला विक्रम मोन्सरो और अजीम दयानी ने म्यूजिक दिया हुआ है विक्रम मो ने जहाँ पे सिंगर थे फराद वाला और विक्रम मो से इसके अलावा मेरीजान मेरीजान वाला जो गाना है उसके लिरिक्स है, जानी ने लिखे हुए म्यूजिक है बी प्राक का सिंगर थे बी प्राक और लेंथ है गाने की चार मिनट आठ सेकंड तीसरा गाना है सारे बोलो बेवफा जिसके लिरिक्स जानी ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया था जानी ने और सिंगर थे बी प्राक इसके अलावा चौथा गाना हीर रांजना जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था माल मलिक ने सिंगर थे अरिजीत सिंह श्रेया घोषाल पांचवा गाना जो विशल थीम था वो इंस्ट्रूमेंटल था उसका म्यूजिक रोय ने कम्पोज किया हुआ है तो इस तरह से टोटल पांच थीम के साथ गाने क्रिएट किए गए जिसको भूषण कुमार की ऑफिशियल प्लेटफॉर्म टी सीरीज़ के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते इस फिल्म में कौन सा आर्टिस्ट कौन सा रोल प्ले कर रहा था उसके ऊपर तो अक्षय कुमार वाला जो रोल है वो है गैंगस्टर बच्चन पांडे का वो लीड किरदार है फिल्म का टाइटल कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे अक्षय कुमार कृति सेना ने मायरा देवरकर का रोल प्ले किया हुआ है जो बच्चन पांडे का लव इंटरेस्ट और एक डायरेक्टर के तौर पे दिखाई देती है जैकलिन फर्नांडिस ने सोफी का रोल प्ले किया हुआ है जो बच्चन पांडे की लेट गर्लफ्रेंड थी अरसद वारसी ने विश्वकांत महात्रे यानी कि विशु का रोल प्ले किया हुआ है जो मायरा का बेस्ट फ्रेंड है पंकज त्रिपाठी ने गुरुजी भावेश भोपलो का रोल प्ले किया हुआ है प्रतीक पप्पर ने वर्जिन का रोल प्ले किया हुआ है संजय मिश्रा ने वफरिया चाचा का रोल प्ले किया हुआ है अभिमन्यु सिंह ने पेंडलम का रोल प्ले किया हुआ है स्नेहल डाबी ने जम्बो का रोल प्ले किया हुआ है साहस कुमार शुक्ला को कांडी का रोल दिया गया था अश्विन हाँ। मूसरा ने प्रोड्यूसर राकेश वर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संतोष शुक्ला को एस पी सूर्यकांत मिश्रा का रोल दिया गया है साजिद नडियज वाला जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने इस फिल्म में फिल्म डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है अहमद खान फिल्म डायरेक्टर के तौर में दिखाई देंगे आरूषा खान ने पिंकी का रोल प्ले किया हुआ है मोहन आगा से ने मिनिस्टर लालजी भगत का रोल प्ले किया हुआ है सीमा बिश्वास ने मिस पांडे यानी कि बच्चन पांडे की मां का रोल प्ले किया हुआ है तृष्णा सिंह ने स्मिता यानी कि वर्दिन की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है सुरेंद्र राजन ने मिस्टर देवेर यानी की म्यारा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है डोली ठाकुर ने इस फिल्म में क्राइम रिपोर्टर का रोल प्ले किया हुआ है नाजिर अब्दुल्ला ने, ने म्यार के डायरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है गौरव चोपड़ा ने भीमा का रोल प्ले किया हुआ है नेत्रम तिवारी ने बुलेट का रोल प्ले किया हुआ है सुनील पेंडुलकर ने इस फिल्म में कादरी का रोल प्ले किया हुआ है अरुण खेडवाल ने कुल्लेरिया का रोल प्ले किया हुआ है विपुल रॉय ने एंकर का रोल प्ले किया हुआ है तो ये इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए अपने किरदार में वो सभी काफ़ी बढ़िया तरीके से जच रहे थे जहाँ पे स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट सभी की परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही थी अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार थी इसके अलावा फिल्म का स्टोरी स्क्रीन प्ले काफ़ी पूरी तरह से लिखा हुआ है कैरेक्टर डेवलपमेंट में उतना कुछ खास नजर नहीं आ रहा था राइटिंग डिपार्टमेंट में काम किया जा सकता था अननेसेसरी कॉमेडी सीन्स को हटाया जा सकता था वीक एक्शन सीक्वेंस फिल्म को करते हुए नज़र आते हैं इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्शन में जिस तरह से सभी चीज़ें स्क्रीन प्ले में डाली हुई वो उतनी कुछ खास नज़र नहीं आ रही थी रीमेक उतनी कुछ बढ़िया तरीके से किए हुए ऐसा महसूस नहीं हो रहा था इसके अलावा सिनेमेटोग्राफर ने काफी बढ़िया तरीके से अक्षय कुमार के किरदार को शोकेस किया हुआ है जो फिल्म का जोनर है उसे अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटर ने इस फिल्म को एक डिसेंट एडिटिंग करके दी हुई है इस फिल्म को थोड़ा क्रिस्प और कर देते सवा दो घंटे के आसपास फिल्म को कर देते दो सवा दो घंटे के आसपास तो फिल्म थोड़ी बेटर हो सकती थी तो स्क्रीन प्ले थोड़ा टाइट हो जाता म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का काफ़ी बढ़िया है सॉन्ग में एक दो सॉन्ग अच्छे है वहीं पर एक दो सॉन्ग ठीक ठाक है लेकिन सॉन्ग्स की प्लेसमेंट उतनी कुछ खास नहीं है इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई एक सौ अस्सी करोड़ के बजट के साथ फिल्म को बनाया हुआ है जिसकी वजह से फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी जिस तरह से लेविस सेट देखने को मिलता है जिस तरह से लोकेशन क्रिएट किए हुए वो सभी चीज़ें बढ़िया है फिल्म के डिज़ाइनर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है इसके अलावा डायरेक्टर का, का काम भी अच्छा देखने को मिलेगा कैमरा मैन ने इस बजट का अच्छा खासा यूज़ किया हुआ है उन्होंने हर एक फ्रेम को एक अच्छा इनहेंस करने की कोशिश की हुई है इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं रिलीज के ऊपर तो बच्चन पांडे फिल्म को ओरिजिनली शेड्यूल किया गया था एक जनवरी 2020 को रिलीज करने का लेकिन बाद में चेंज करते हुए 22 जनवरी 2021 रखा हुआ था जहां पे आमिर खान की रिक्वेस्ट के साथ इस फिल्म को चेंज करते हुए 18 मार्च 2022 को फाइनली रिलीज किया हुआ था जहां पे फिल्म को रिलीज़ किया उसके एक हफ्ते पहले आई हुई थी द कश्मीर फाइल जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते धीरे धीरे बड़े बड़े शो हासिल कर रही थी जहाँ पे उस फिल्म ने राधे श्याम फिल्म को अच्छी खासी टक्कर दी राधे श्याम को पूरी तरह से ढेर कर दिया उसके बाद में बच्चन पांडे के शो भी जब नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला बच्चन पांडे का उसके बाद द कश्मीर फाइल फिल्म ने वो शो भी ले लिए थे और वो शो भी वहां पे काफी बढ़िया वर्क करे थे लेकिन बच्चन पांडे के शो काफी कम हो गए थे जब फिल्म को रिलीज किया गया तब ए एंड ने अनिल थडानी ने काफी बड़ी रिलीज दिलवाई थी इस फिल्म को काफी ज्यादा बड़ी रिलीज थी लेकिन जिस तरह से बहुत मिक्स रिस्पॉन्स मिला फिल्म को ऑडियंस की तरफ से क्रिटिक्स की तरफ से ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते ये फिल्म को थिएटर में एक दो दिनों में काफी कम स्क्रीन

2022 में फिल्म आई थी उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट ओपनिंग डे वाली फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई थी वहीं पे दूसरे दिन फिल्म ने 12 करोड़ का कलेक्शन किया ये थोड़ा डल आपको इसलिए एक दो करोड़ का जो कलेक्शन में डिफरेंस है वो इसलिए था क्योंकि धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउस ज्यादा नेगेटिव हो रहा था और साथ ही में ये अक्षय कुमार का स्टारडम था जिसके चलते इतना कलेक्शन किया होता तीसरे दिन भी फिल्म ने बारह करोड़ का कलेक्शन किया और टोटल डोमेस्टिक वीकेंड फिल्म का सैंतीस करोड़ पच्चीस लाख का रहा था चौबीस मार्च दो तक फिल्म ने करीबन पचास करोड़ के आसपास का इंडिया में कलेक्शन किया हुआ था नौ सवा नौ करोड़ के आसपास का ओवरसीज में कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कलेक्शन सत्तर करोड़ के आसपास का रहा था द काश्मीर फाइल का जो एक हेवी कंपटीशन इस फिल्म को मिला था उसके सामने ये फिल्म का कंटेंट उतना मजबूत नहीं था जिसके चलते ये फिल्म एक हफ्ते में से निकल गई थी जहां पे एक हफ्ते ये फिल्म चली और बॉक्स ऑफिस पे एक फेलर साबित हुई एक सौ अस्सी करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन पैंसठ से सत्तर करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे ओ टी सैटेलाइट के ऊपर भी इस फिल्म को वैसे ही मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे ओ पे इस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज के करीबन एक महीने के बाद रिलीज किया गया था जहाँ पे 25-28 दिनों के बाद इस फिल्म को 15 अप्रैल 2022 को ओ पे अवेलेबल करवा दिया गया था जहाँ पे इसके ओ राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए वहीं पर सेटेलाइट राइट्स जी सिनेमा वालों ने खरीदे हुए तो फिलहाल मैं फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन बच्चन पांडे के नाम से देखने को मिलेगी वहीं पर सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा के

जो बातें थे मैंने शेयर कर दी है फिल्म का एक रिव्यू किया हुआ है जहां पे मैंने म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में चर्चा की हुई है स्टोरी का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसके अलावा प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर भी डिटेलिंग दी हुई है फिल्म के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है तो आज का हमारा एक वीडियो यहीं तक था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू